हाय कृष्णा, हाय कृष्णा, आदि डिवोटीज, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। एंड आप सभी को हैप्पी हनुमान जयंती, हनुमान जयंती की शुभकामनाएं आप सभी को। आई एम श्योर इस हनुमान जयंती एंड स्पेशली ये जो रामनवमी हमने इस बार इतने स्पेशल तरीके से मनाया, आप सबके साथ इतने अच्छे तरीके से मनाया, बहुत स्पेशल रहा इस बार का रामनवमी। एंड आप सबकी कृपा से ये हो पाया है, स्पेशली नो सारे जो सेशंस चल रहे थे राम जी के बारे में, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड राम, भरत महाराज से लेसन्स, अलग अलग कैरेक्टर्स से लेसन्स, एंड देन फाइनली हमारा कॉन्टेस्ट विच वॉज लाइक यू नो स्पार्क। सो बहुत बहुत ही बहुत अच्छा ये रामनवमी गया हमारा। एंड इस पूरे रामनवमी में ये हमें अधूरा लग रहा था, ऑफकोर्स आई एम श्योर आप सबको ये अधूरा लग रहा होगा, बिकॉज उसमें हनुमान जी की तो कोई कथा ही नहीं की हमने। एंड इससे ज्यादा अद्भुत क्या हो सकता है कि हम हनुमान जयंती के दिन श्री हनुमान जी की सुंदर लीलाएं सुने, उनसे कुछ सीख ले कि हम अपने जीवन में उसको अप्लाई करें। एंड ऑफकोर्स वी कैन नॉट इमिटेट हनुमान जी, उनके लीलाएं अलग ही है, वो शुद्ध भक्त है राम जी के। बट अगेन एज वी ऑलवेज से कि हमें अपना गोल बहुत हाई रखना है, बिकॉज भक्ति तो हम सबको ही कर रहे हैं, भक्ति तो हम सब कर रहे हैं, बट हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू अंडरस्टैंड कि मैं अच्छी भक्ति कर रही हूं कि नहीं, यू नो मैं गोल की तरफ जा रही हूं या उससे पीछे हट रही हूं। सो इसलिए गोल जो है वो हमारे बहुत हाई होने चाहिए, जैसे हमारे षट गोस्वामीज है, हमारे आचार्यगण है। एंड फ्रॉम टुडे सेशन हनुमान जी स्वयं हमको सिखाएंगे कि किस तरह से हम अपने जीवन को और ज्यादा भक्तिमय बना सकते हैं, किस तरह से हम और एक स्टेप श्री राम जी के तरफ ले सकते हैं। उसके साथ आज हम हनुमान जयंती का ये सेशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे रामनवमी के पूरे सेशंस में ये तड़का का काम करेगा, बिकॉज विदाउट तड़का टेस्ट नहीं आएगा। सो रामनवमी को इस पूरे हर एक सेशंस में जो हमने सीखा, आई थिंक आज इट इज लाइक द अल्टीमेट सेशंस जहाँ पे हम बहुत बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो डियर डिवोटीज, इट इज अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड जितना ज्यादा हो हम इसमें चीजों को ग्रहण कर सके, बिकॉज बस कान तो भगवान ने दो दिया है हमें, बट बुरे चीजें सुनते हैं तो एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, बट जब हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो उसको कान से सुनो एंड हृदय में उतारो, उसको अपने एक्शंस में दिखाओ। सो कभी कभी भक्तगण बोलते हैं कि आज का लेक्चर बहुत अच्छा था, कभी कभी बोलते हैं आज का लेक्चर अच्छा नहीं था उतना, मतलब मजा नहीं आया, हमको मजा चाहिए हर एक चीज में। सो कभी कभी लगता है कि आज का सेशन उतना मजा नहीं आया या अच्छा था। थिंग इज कि सेशंस तो एक ही होते हैं, कथा तो वही कृष्ण की, राम की, इनकी ही होती है। बट प्रॉब्लम इज हम पूरे हफ्ते में क्या करते हैं, पूरा वीक हमारा कॉन्शियसनेस क्या होता है, मंडे टू सैटरडे या फ्राइडे हम क्या करते हैं उस पे हमारा कॉन्शियसनेस डिपेंड होता है। एंड उसके बाद आप संडे जब आते हो, आप अगर पूरा वीक आपका बहुत भक्तिमय रहा हो, आपने एसोसिएशन में रहे थे आप भक्तों के, आपने बुक रीडिंग भी की, आपने कीर्तन भी सुना, सो जब संडे लेक्चर सुनोगे या जब भी लेक्चर आएगा जब सुनोगे तो तुरंत तुरंत कोई भी बात, बिकॉज ऑफकोर्स ये मेरी बात तो नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण की बात है एंड जो गुरु परंपरा से होती हुई आ रही है एज इट इज। सो जब हम सुनते हैं तो तुरंत हमारे हृदय को छू लेती है। इट इज लाइक एक भिखारी के प्लेट में, अगर आप आज आपके घर में एकदम बढ़िया एकदम रबड़ीदार खीर बनी है समझिए, और आपने उस भिखारी को खीर दिया,
सो व्हाट डू यू थिंक, भिखारी रिलिश कर पाएगा उस खीर को? वो खीर को रिलिश कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसके प्लेट में कल की, दो दिन पहले की या कल की बासी रोटी पड़ी हुई है जो स्मेल आ रही है. सो उस बासी रोटी के साथ अगर वो खीर, जो बहुत ही टेस्टी है और आज बनाई फ्रेश खीर है, उसको भी अगर वो खाएगा तो उसको मजा नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि उस रोटी की स्मेल उसमें आई हुई है. सिमिलरली जब हम पूरा ये अपना वीक किस तरह से, किस एसोसिएशन में बिता रहे हैं, कैसा संग ले रहे हैं, पूरे हफ्ते हमने पार्टी की, भक्तों का संग नहीं लिया, ना बुक पढ़ा, ना कुछ पढ़ा, ना कीर्तन सुना, कुछ भी नहीं, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि आज कोई भी लेक्चर में हमारी बात, मतलब यू नो लेक्चर में कुछ बात, मजा क्यों नहीं आया? मजा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस पूरे हफ्ते क्या होता है उस पर डिपेंड करता है कि हम जब लेक्चर में बैठते हैं सो किस तरह से हमें ये लेक्चर अच्छा लगता है या हृदय को छू जाता है. सो इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर हमारे मिशन में ये चीज इंक्लूड किए हैं, विच इज कीर्तन. हर लेक्चर के पहले कीर्तन होता है, एंड मैंने सोचा था कि आज हम कीर्तन थोड़ा यू नो 5-10 मिनट कीर्तन रखेंगे, बट आई थिंक यूट्यूब में ऐसा हो नहीं पाता है, ऐसा कुछ है. सो इट्स ओके, हम अपने जूम क्लासेस में ये कीर्तन रख सकते हैं पहले, क्लासेस के पहले 10 मिनट्स, ताकि वो जितना जो गंदा, वो बासी रोटी जो है हमारे हृदय में, उसको हटाए. क्योंकि अगर हृदय अपवित्र है, अगर हृदय मैला है, तो उसमें जितनी भी, जितना भी आप डालो स्वादिष्ट भोजन, जितना भी डालो, वो बदबू तो आएगी उसमें से. सो आज का ये जो कथा है, आई डोंट नो पूरा हफ्ता आपका कैसा रहा, बट हम प्रे करेंगे श्री राम से और हनुमान जी से कि हम जो भी आज सीखेंगे उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाए और हम अपने भक्ति जीवन में और तीव्र गति से आगे बढ़े. सो विद दैट वी विल स्टार्ट टुडे सेशन. सो जब, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भगवान साकेत धाम, अपने धाम, जैसे कृष्ण का गोलोक धाम है, उस प्रकार से श्री राम का साकेत धाम है. सो जब भगवान राम अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने साकेत धाम लौट रहे थे, सो सब उनके साथ चल दिए कि चलो अब हमें, हम हमारे क्या काम है, भगवान नहीं है तो हम क्या करेंगे. सो सब निकल गए. सो अब राम जी देख रहे हैं कि अरे मेरा जो प्रिय भक्त है हनुमान, वो कहाँ है. सो हनुमान से पूछते हैं, हनुमान नहीं रहते हैं, हनुमान जाते ही नहीं है. सो राम जी बोलते हैं, हनुमान तुमको हमारे साथ नहीं जाना है, तुम्हें साकेत धाम नहीं जाना. तो हनुमान जी का आंसर होता है नहीं. यस, आपने सही सुना, हनुमान जी का आंसर होता है नहीं. हनुमान जी कहते हैं, मैं वहां जाके क्या करूंगा, आप रहोगे पर जरूरी नहीं है आप हर वक्त मेरे साथ रहोगे. आप बिजी हो जाओगे, इतने भक्त होंगे वहां, तो हर कोई भक्त है, आप कहीं ना कहीं बिजी हो जाओगे. सो मैं, मतलब मैं तो हर वक्त, हर क्षण, हर सेकंड में आपका संग चाहता हूं. एंड वो कहां पॉसिबल है, वो आपकी कथाओं के माध्यम से पॉसिबल है. सो जहां मैं यहीं रहूंगा भगवान, मैं जाना नहीं चाहता साकेत धाम, जहां जहां आपकी कथा हो, जहां जहां आपकी कथा हो वहां मैं उपस्थित रहूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए. श्री राम सुन के बहुत खुश होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं कि हे हनुमान, तुम चिरंजीवी रहोगे, एंड जहां कहीं भी भक्तगण मेरी चर्चा करेंगे, मेरी कथाओं का श्रवण करेंगे, उस स्थान पे तुम भी उपस्थित रहोगे. एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जहां जहां, अब तुम ये सुन लो हनुमान, जहां जहां तुम्हारी गुणगान होगी, जहां जहां मेरे प्रिय भक्त हनुमान का गुणगान होगा, उस स्थान पे स्वयं श्री राम, मैं स्वयं श्री राम उपस्थित रहूंगा तुम्हारे गुणगान सुनने के लिए. तो सी, दिस इज सम यू नो ब्यूटीफुल लविंग एक्सचेंज बिटवीन अ भक्त एंड द लॉर्ड.
सो भगवान और भक्त का इतना सुंदर एक कनेक्शन है, समझिए। इवन हमें बताया जाता है ना, मतलब भगवान भक्त कहाँ होते हैं, भक्त को कहाँ मजा आता है, भक्त जहाँ पे भगवान का चर्चा हो, भगवान की बातें हो, उसको वहीं पे रहना अच्छा लगता है। और भगवान क्या करते हैं, भगवान जब अपने आप पे मेडिटेट करते हैं, जब भगवान मेडिटेट कर रहे थे कृष्ण, सो सब पूछते हैं आप किस पे मेडिटेट करते हो इतना, तो बोलते मैं अपने भक्तों पे मेडिटेट करता हूँ। यू सी द बेस्ट एग्जाम्पल इज श्रीमद भागवतम। श्रीमद भागवतम को कहा जाता है कि इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्री कृष्ण हिमसेल्फ, मतलब कृष्ण और भागवतम में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सेम है, समझिए, इस तरह से समझाया जाता है हमें। एंड भागवतम में क्या है, अगर वो कृष्ण ही है तो उसमें क्या है, अगर आप जानते होंगे भागवतम में केवल 10th कैंटो है जहां पे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, बाकी जो 11 कैंटो है वहां पे हर एक कैंटो में सिर्फ भक्तों की चर्चा है, भक्तों के बारे में चर्चा है, चाहे वो गजेंद्र हो, प्रहलाद हो, ध्रुव हो, मतलब इट इज फुल ऑफ यू नो द लीलास पास्ट टाइम्स ऑफ हिज डिवोटीज, कि उन्होंने किस तरह से भक्ति की। सो अल्टीमेटली कृष्ण क्या है, कृष्ण बस भक्तों में ही खोए रहते हैं। सो यहाँ पे श्री राम जी भी वही बोल रहे हैं, जहां पे तुम्हारे गुणगान होगा, जहां पे तुम्हारी कथा होगी, वहां पे मैं श्री राम भगवान स्वयं वहां पे उपस्थित रहूंगा। सो डियर डिवोटीज, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आज हम हनुमान जी की कथा कर रहे हैं, हनुमान जी का गुणगान करने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं, बिकॉज मेरे में इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान को यहाँ उपस्थित कर सके, कि भगवान मेरे मुख से कुछ लेक्चर, मतलब यू नो हनुमान की गुणगान हो रही है तो भगवान उपस्थित होंगे, बट यस, जो मैं बोलूंगी ऑफकोर्स वो गुरु परंपरा से आया है, सीनियर्स से आया है, सो ये उनके मुख की वाणी है जो मैं आपको एज इट इज प्रेजेंट कर रही हूँ। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेशन के साथ एंड अटेंटिव रहिएगा, बिकॉज सिर्फ लेक्चर नहीं चल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे गुणगान होगा हनुमान जी का। एज आई सेड, जहाँ पे हनुमान जी का गुणगान हो, हनुमान जी की कथा हो, वहां स्वयं श्री राम उपस्थित रहते हैं। सो उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम हनुमान जी के बारे में जानते ही हैं, उनकी बचपन की लीलाएं, कि कितने चंचल थे हनुमान जी, किस तरह से वो बहुत ज्यादा परेशान क्या करते थे, बहुत शक्तिशाली थे। सो केसरी और अंजना, केसरी और अंजना के पुत्र थे हनुमान जी। सो हनुमान जी, मैं बहुत ज्यादा उनके पास्ट टाइम्स में नहीं जाऊंगी, हम ज्यादा लीला लेसन्स पे फोकस करेंगे कि उनसे क्या सीख सकते हैं हम। सो बट कुछ एक दो पास्ट टाइम्स है जो बहुत ही ज्यादा मुझे प्रिय लगी, सो वो हम आपके साथ आपको शेयर करेंगे। उसमें से भी एक्चुअली लेसन है, हर यू नो भक्तों का जीवन ही ऐसा है, आप उनके कोई भी कुछ भी पास्ट टाइम से, उनकी कुछ भी हरकतों से आप एक कुछ ना कुछ सीख जरूर देते हैं वो। सो जब हनुमान जी बहुत छोटे थे, तो जैसा हम सबको पता है कि किस तरह से उनका नाम हनुमान पड़ा, बिकॉज ये हनु, ये जो तोड़ी है इसको हनु बोला जाता है संस्कृत में। एंड जब इंद्र ने वज्र से उनपे प्रहार किया तो उनको यहाँ चोट लगी एंड वो मूर्छित गिर गए नीचे, जब वो सूर्य देव को खाने चले थे, उनको लगा था एक लाल सा सेब है, सो मुझे बहुत भूख लगी है तो मैं जाता हूँ, मैं इसको ही खा जाता हूँ। अब सूर्य देव डर रहे हैं कि ये कौन बालक है, ये कौन कहाँ से आ गया जो मुझे खाने को आ रहा है, एंड वो इंद्रदेव से प्रार्थना करती कि ये बचाओ इंद्र, बचाओ मुझे, क्या कर रहा है ये बच्चा, ये कौन है। फिर इंद्र वहां पे उपस्थित होते हैं। अब इंद्र तो ऐरावत के साथ ही आते हैं। अब जब इंद्र ऐरावत के साथ आते हैं, ऐरावत एकदम व्हाइट कलर के है, व्हाइट हाथी है वो। सो जैसे ही हनुमान जी देखते हैं ऐरावत की ओर, उनको लगता है रेड फल तो अच्छा लग रहा है, ये व्हाइट फल क्या है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको टेस्ट करके देखता हूं पहले। तो वो क्या करते हैं, वो इंद्र के पास पहले जाते हैं। जैसे ही इंद्र के पास जाते हैं तो इंद्र डर जाते हैं,
इंद्र बोलते हैं कि ये क्या, अब ये मेरे पे आक्रमण करने आ गया। तो इंद्र तब वज्र फेंक के मारते हैं, जैसे इंद्र वज्र फेंक के मारते हैं उनको यहाँ पे चोट लगती है एंड वो मूर्छित होके पृथ्वी पे गिर जाते हैं। एंड वायुदेव, क्योंकि हनुमान जी वायुपुत्र भी कहलाते हैं, तो वायुदेव को जब ये पता चलता है वो बहुत गुस्सा होते हैं। सो नाउ किसी किसी को ऐसा लग सकता है हाउ रूड, यू नो हाउ रूड, एक छोटे बच्चे को कोई मारता होगा क्या इस तरह से, मतलब क्या गलती थी, क्या गलती थी उसकी, वायुपुत्र है थोड़ा बहुत दिखाई सकता है अपना शक्ति, समझा देते उसको, समझा देते कि बेटा मैं खाने की चीज नहीं हूं, ऐसे बोल सकते थे ना। बट क्या हुआ यहाँ पे, हम कभी कभी यू नो हमारे जीवन में लेसन ये है कि हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जो दूर से देख के हमको लगे, या हम अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो हमको लगे कि ये गलत हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एंड यू नो वी स्टार्ट ब्लेमिंग कृष्णा, वी स्टार्ट ब्लेमिंग गॉड फॉर यू नो सम स्मॉल स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों के लिए हम भगवान को ब्लेम करने लगते हैं, हम कंप्लेन करने लगते हैं कि क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों। अब द प्रॉब्लम इज हम अपने दृष्टि से या हम अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं सोच सकते एक्चुअली, यू नो दो तीन दिन तो दूर की बात, दो तीन सेकेंड बाद क्या होने वाला है हमको ये भी नहीं पता, ना हम देख सकते एक एक डिस्टेंस के बाद हम ये आंखें यू नो देख भी नहीं सकती है, ह्यूमन आइज नहीं देख सकती, वहां पे हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस लाइफ, इमेजिन पता नहीं कितने जन्मों के हमने बुरे कर्म किए होंगे जिसका हमें फल मिल रहा होगा, हम इस जन्म को ही ध्यान में रखते हैं। अरे पिछले जन्म में क्या किया था आपको पता है क्या, उसके पिछले जन्म में क्या किया था पता है क्या, और हम कुछ बुरा इस जन्म में भी करते तो हम हमारे पास तो सारे जस्टिफिकेशन होते हैं, ऐसा नहीं है माता जी, इस तरह से उसने मेरे साथ किया तो मैंने ऐसा रिप्लाई दिया। सो वी हैव ऑल आर एक्सप्लेनेशन, ऑल आर जस्टिफिकेशन, जो हमको लगता है हमारा तो सही है, हम तो सही जगह पे है। सो वी आर यू नो हम जज नहीं है, जज करने वाले ऊपर बैठे हैं। सो हम एक दृष्टि एक डिस्टेंस के बाद देख नहीं सकते, एक लिमिटेड सोच है हमारी, और हमको हम चीजों को जज करने लगते हैं, फिर कंप्लेन करने लगते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं जीवन में कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, भगवान के पास एक बहुत बड़ा प्लान है, भगवान हमारे जैसा छोटा नहीं सोचते या छोटा नहीं देखते, वो बहुत दूर दृष्टि है उनकी, बहुत वो बहुत दूर का सोचते हैं, वो दूर की देखते हैं, उनका तो एक ही मोटिव है कि जीव को मेरे पास पुनः लौट आना है, बस कदम बात, जैसे भी लाना है मुझे उसको अपने पास। सो हम ये भूल जाते हैं, बट भगवान हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान के पास ही हैज अ बिगर प्लान, वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलते, उनके पास एक बड़ा प्लान है। नाउ सी यहाँ पे क्या हुआ, जब इंद्र ने हनुमान जी को मारा, वज्र से मारा, तो देखने में ये बहुत कठोर लग सकता है कि एक छोटे बच्चे पे प्रहार कर दिया, वो भी वज्र से, वो भी इंद्र के वज्र से, बट उसके बाद क्या हुआ ये देखने वाली, ये समझने वाली बात है। उसके बाद क्या हुआ, जब वायुदेव को बहुत गुस्सा आया, वायुदेव उनको लेके चले गए गुफा में, एंड सारे पूरे पूरे ब्रह्मांड का श्वास, मतलब जो वायु है उन्होंने रोक लिया, अपने अंदर ले लिया, क्योंकि वायुदेव है, उनसे ही सब कुछ है, उनसे ही वायु है, जो इतनी कमी हो रही है ऑक्सीजन की या जो भी है, ठीक है। सो यू नो वायुदेव ने रोक लिया। सो उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा कुड अंडरस्टैंड कि अब हमको इनको संतोष यू नो थोड़ा शांत करना पड़ेगा वायुदेव को, वरना क्या होगा इस पृथ्वी का, क्या होगा पूरे ब्रह्मांड का, अगर एक ना सांस बंद हो जाए तो क्या होगा, पानी के बिना निर्जला कर सकते हैं एक दिन दो दिन चलो तीन दिन, बिना खाए भी रह सकते हैं, पर सांस के बिना हार्डली फ्यू सेकेंड्स आई वुड से। सो मतलब जैसे ही ब्रह्मा को ये समझ में आया, ब्रह्मा ने क्या किया, अब सब शुरू हो जाओ, सबको बुला लिया, लाइन से सब देवी देवता लग गए क्या करने, आशीर्वाद देने हनुमान जी को।
कि इंद्र ने आशीर्वाद दिया एंड सबके सब एक के बाद एक के बाद सबने कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत उत्साही होगा एंड इसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। इंद्र बोलते हैं कि मेरा वज्र तो क्या किसी कोई वज्र इस पे काम नहीं करेगा, तो इसलिए उनका एक नाम भी है वज्र अंग, मतलब जिसका शरीर वज्रों का हो, तो वज्र अंग। सो बजरंग बली बोलते हैं आजकल, वो लैंग्वेज का थोड़ा वो हो गया है, ठीक है। सो इस तरह से उनका ये एक नाम भी है वज्र अंग। सो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि जीवन में कुछ चीज शायद देखने में ठीक ना लगे, लगे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, इतना गलत मेरे साथ क्यों, बट हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे हनुमान जी के साथ क्या हुआ, उनको लगी, उनको चोट लगी, वो गिर गए, खराब हुआ, बहुत बुरा हुआ उनके साथ, एक छोटा बालक नहीं अच्छा हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इतने देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला उनको, जिसके फलस्वरूप वो इतने ज्यादा शक्तिशाली बने कि बिकॉज भगवान ने उनको चुना था, ये देवी देवता भी उनको आके आशीर्वाद क्यों दे रहे थे, अल्टीमेटली दे ऑल्सो न्यू कि इन फ्यूचर ये कोई साधारण बालक नहीं है, फ्यूचर में इसको इन सब शक्तियों की आवश्यकता होगी और ये शक्ति वो भगवान के इस मिशन को पूरा करने में लगाएंगे। सो इसलिए सबने उनको भर भर के आशीर्वाद दिया। सो हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, हमारे साथ जीवन में जो भी हो रहा है हमेशा भगवान पे भरोसा रखिएगा कि भगवान जो भी कर रहे हैं अल्टीमेटली मेरे अच्छे के लिए ही है। एक समय पे बीवी, बच्चे, पति, पत्नी, माँ बाप सब चले जाएंगे, सब कहीं ना कहीं यू नो हर्ट करेंगे आपको, बट भगवान जो है, जो हमारे परम पिता है, वो हमेशा हमारे हित और केवल हित ही सोचते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। सो ये हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक और हम ऐसे ही कथा सुनेंगे जो बहुत सुंदर लगी, उसके बाद ऑफ कोर्स हम लेसन्स में मूव करेंगे। सो हनुमान जी जो थे, जो बहुत अब शक्तिशाली हो गए थे एंड वो बहुत ज्यादा सबको परेशान करना, ऋषि मुनियों को परेशान करना, कभी कभी ऐसा होता था कि कोई ऋषि ध्यान कर रहा है किसी वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान कर रहा है, हनुमान जी चुपके से जाते थे बिकॉज हनुमान जी न्यू कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं उड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी उठा सकता हूँ, पहाड़ उठा लू, ये कर लू, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। सो हनुमान जी क्या करते थे कभी कभी, जैसे उस पूरे स्थान को ही उठा लेते थे एंड फिर ले जाके किसी पर्वत के ऊपर रख के आ जाते थे एंड जब वो ऋषि अपने ध्यान से या तपस्या से आगे खोलते थे, निकल के देखते थे, ये क्या है, मैं पर्वत पे कैसे आ गया, मैं तो नीचे तपस्या कर रहा था। सो इस तरह की बहुत नोटी नोटी चीजें हनुमान जी करते थे एंड सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे हनुमान जी से कि ये क्या, ये बात बच्चा उद्धम मचा के रखा हुआ है, मतलब बच्चे वैसे तो नोटी होते हैं, जस्ट इमेजिन उसके ऊपर से उसको इतने सारे बूंद्स मिल जाए, तुम उड़ सकते हो, तुम कुछ पहाड़ उठा सकते हो, तुम जो चाहे कर सकते हो, तो आप समझ सकते हो, मतलब ऑफ कोर्स आप समझोगे कि नहीं पता नहीं, पर मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल कि किस तरह से वो बच्चा बन जाता है, कैसा बन जाता है वो बच्चा जब उसको इतनी सारी शक्तियां मिल जाए। सो एक बार क्या होता है, बिकॉज नॉटी है हमारे हनुमान जी, तो एक बार क्या होता है कि नारद मुनि केसरी जी से मिलने आते हैं, उनके पिता से, एंड जब मिलने आते हैं तो बातें करते हैं उनसे। सो बात करते करते फिर वो जब जा रहे होते हैं तो हनुमान जी आते हैं, तो हनुमान जी पूछते हैं कि पिताजी ये कौन थे, तो बोलते हैं कि ना तुम इनको नहीं जानती, ये तो नारद मुनि है, ये तो बहुत बड़े भक्त हैं एंड ये बहुत सुंदर गाना गाते हैं, हर वक्त भगवान का श्रवण करते हैं, हर वक्त भगवान का गान करते रहते हैं। तो बोलते हैं अच्छा ऐसा बात है, बहुत अच्छे, बहुत शुद्ध भक्त है, वैष्णव है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, हनुमान जी भाग के जाते हैं एंड नारद मुनि का रास्ता रोक लेते हैं, बोलते मैं आपको जाने नहीं दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो बोलते हैं कि अच्छा क्यों नहीं जाने दोगे मुझे, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने अभी पता किया है कि आप बहुत अच्छा गाते हो। तो बोलते हाँ तो क्या, तो बोलते नारायण कि जब सभी देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया था, आप थे, आपने नहीं दिया था, आप ऐसे ही निकल गए थे बिना आशीर्वाद दिए। तो बोलते कि ना तो तुमको क्या चाहिए, बताओ बताओ। बोलते मुझे आशीर्वाद दो कुछ भी। तो बोलते क्या आशीर्वाद चाहिए बताओ। तो
बोलते कि मुझे आशीर्वाद दो, मैंने सुना कि आप बहुत अच्छा गाते हो, तो ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं भी बहुत अच्छा गाऊं, मैं ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं आपसे भी अच्छा गाऊं। तो नारद मुनि तो भक्त है, नारद मुनि बोले बिल्कुल बेटा बिल्कुल, कोई बात नहीं, आशीर्वाद तथास्तु तथास्तु, तुम बहुत अच्छा गाओ, बहुत अच्छा गाओगे। अब मैं जाऊं तो बोलते कि ऐसे कैसे, बैठी, जगह दिया उन्होंने, बोले बैठिए, ऐसे कैसे जा सकते हो। तो बोलते अब क्या, आशीर्वाद तो दे दिया, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने आशीर्वाद दिया वो सही में दिया कि नहीं। पहले मैं गाऊंगा, फिर आप सुनोगे, फिर मुझे बताना कि मैं कैसा गाया। जैसे बच्चे करते हैं ना, एकदम हट हट करते हैं, सो बहुत क्यूट सा, बहुत सुंदर पास टाइम है। सो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है चलो बैठ जाता हूँ। तो बैठ गए हम नारद मुनि। अब नारद मुनि को भी डर लग रहा है कि ये तो है बड़ा नटखट, अब जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलूं तो मैं बचूं ऐसा। सो नारद मुनि बैठ जाते हैं अपनी वीणा को लेके, आप हमारे सुंदर सा एक गान छेड़ते हैं, हमारे हनुमान जी बहुत सुंदर गाते हैं, और इतना सुंदर गाते हैं हनुमान जी, इतना सुंदर इतना मधुर गाते हैं कि वहां जो पत्थर थे उस टाइम पे वो पत्थर भी पिघल गए, इतना सुंदर गाते हैं हनुमान जी। सो जैसे ही पत्थर पिघल गए तो फिर हनुमान जी गाना बंद करते हैं। फिर हमारे नारद मुनि बोलते हैं कि ना वाह वाह क्या गाया तुमने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना, तुम बहुत सुंदर गाने लग गए। बोले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बोलते अब मैं जाऊं, तो हनुमान जी बोलते हाँ हाँ जाओ जाओ। तो जैसे ही नारद मुनि उठने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी वीणा बाजू में ही रखे थे, वीणा उठाने जाते तो देखते ये वीणा उठ क्यों नहीं रही। तो उनका ध्यान पड़ता है कि उन्होंने एक पत्थर जो था उस पे उन्होंने अपनी वीणा रखी थी, उन्होंने एक पत्थर पे अपनी वीणा रखी थी, और जैसे ही वो पत्थर पिघल गया तो वीणा ऑफकोर्स थोड़ा नीचे चला गया, और जैसे ही हनुमान जी ने जैसे ही गाना बंद कर दिया तो वापस वो पत्थर बन गया, पिघला था तो वो अंदर घुस गया, और जैसे ही वापस हनुमान जी जैसे ही बंद कर दिए गाना तो वापस वो पत्थर जैसा पत्थर का रूप ले लिया, तो वीणा उसमें आ गया, उसमें अटक गई। तो अब नारद मुनि बोलते अभी अब मैं क्या करूं। तो बोलता अब क्या करूंगा, अब क्या करोगे बताओ, आप जो बोलोगे करूंगा। तो बोलते नारद मुनि बोलते तो अब आप वापस गाओ। तो बोलते वापस गाओ। तो बोलते हाँ आप जब वापस गाओगे तब वापस ये पत्थर पिघल जाएगी, मैं अपनी वीणा निकाल लूंगा फिर मैं चला जाऊंगा। हनुमान जी बोलते ना पर अब मेरा मूड नहीं है गाने का, अब मुझे खेलने का मूड है, मैं खेलने जा रहा हूँ। नारद मुनि बोलते हैं व्हाट इज दिस, ये बच्चा इतना बदमाश, मुझे पता तो था ये इतना बदमाश है पर इतना बदमाशी करेगा। अब नारद मुनि उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि रुको हनुमान, रुको 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 हनुमान, एंड हनुमान जी उनको ड्राइंग रूम से लेके किचन में लेके अपने बेडरूम से लेके हर एक लिविंग रूम सब में घुमाए जा रहे हैं। एंड थोड़ी देर बाद वहां पे केसरी जी आती है, अंजनी माता आती है, बोलती है कि क्या क्या हो क्या रहा है ये। तो नारद मुनि बताते हैं कि देखिए आपका पुत्र इस तरह से मुझे दौड़ा रहा है, मेरी वीणा वहां अटक गई है, निकाल नहीं पा रहा हूँ, और ये गा भी नहीं रहा है कि मैं निकाल पाऊं। तो हनुमान जी का कान ऐसे पकड़ती है अंजनी माता, बोलती है ना कि पुत्र तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है ये कौन है, नारद मुनि है, तुरंत गाओ जाके चुपचाप, उनको परेशान मत करो। तो हनुमान जी का आंसर क्या होता है आपको पता है, हनुमान जी भले नौटी है हमारे, बहुत शरारत करते हैं, बट हनुमान जी की बुद्धि देखिए। हनुमान जी वहां पे आंसर करते हैं अपने माता पिता को कि मैं कोई शरारत नहीं कर रहा था माता, पिताजी ने मुझे बोला था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है, ये कौन है, ये तो भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त हैं, बहुत और हर वक्त ये भगवान का ही गुणगान करते रहते, इनका काम ही यही है, तो ऐसे वैष्णव का, ये तो बाहर से ही चले जा रहे थे मेरा गाना सुन के, वो तो मैंने बुद्धि लगाई अपनी और फिर सोचा कि इनको कैसे, क्योंकि शुद्ध भक्त और ऐसे वैष्णव का चरण तो हमारे घर के अंदर भी होना चाहिए ना, केवल घर के अंदर क्यों, हर एक रूम में होना चाहिए, इसलिए माता मैं इनको दौड़ा रहा था ताकि इनके चरण हमारे हर एक कमरे में उनका पदचिन्ह रहे। जस्ट इमेजिन मतलब हनुमान जी की बुद्धि को देखिए आप, मतलब एक भक्त एक हनुमान जी जैसे ही कोई ऐसा सोच सकते हैं। सो इस तरह से उन्होंने एक बहुत सुंदर पास टाइम किया नारद मुनि जी के साथ, एंड ऑफ कोर्स उसका ये लेसन यही है कि जब शुद्ध भक्तों का
चरण हमारे जीवन में, ना केवल घर में, जीवन में ही पड़ता है, तो हम इसलिए हमें बोला जाता ना कि जब मंदिर में भी इवन जब यू नो ये व्यास पूजा होता है, या जब कोई भी सन्यासी टेंपल विजिट करते हैं, सो जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, हमें सब कुछ साइड में रख के बाबा उनके जाके दर्शन करना चाहिए। केवल उनके दर्शन मात्र से हम सोच नहीं सकते हमारे कितने जन्मों के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है एक शुद्ध भक्त का संग, केवल उनको देखने मात्र से ये होता है। जस्ट इमेजिन वो आपको देखेंगे तो क्या होगा आपके जीवन में, एंड उनका हम संग लेंगे तो हमारे जीवन में क्या क्या हो जाएगा। सो इस तरह से नारद मुनि का भी संग हनुमान जी को सुंदर लीला के रूप में मिलता है। सो नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसा है कि अब हम देखेंगे, अब ये लालीला पास टाइम्स हम एज आई सेड कि हनुमान जी के बारे में सबको बहुत कुछ पता ही रहता है, बट नाउ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हनुमान जी को ये जो सारी शक्तियां मिली थी। बट जैसा मैंने बताया कि हनुमान जी को, बिकॉज वो बहुत चंचल थे, बहुत शरारत करते थे, तो एक बार एक ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था। क्या श्राप था? श्राप था कि जाओ तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे। रिमेम्बर, नष्ट नहीं होंगी शक्तियां, भूल जाओगे, और जब तुम्हें कोई स्मरण दिलाएगा तभी तुम्हें वो रियलाइज होगा, एंड तब आप यूज कर सकते हो उन शक्तियों को। सो भूल जाने का ये शक्ति, तो ऑलमोस्ट सारी शक्तियां हनुमान जी भूल ही गए थे, ऑलमोस्ट एवरी ऑल द शक्तिज। सो अब हनुमान जी को पता भी नहीं था, उनको रियलाइज भी नहीं होता था कि वो इतनी शक्तिशाली है। सो इट्स ओके सुहानी माता जी, कोमल माता जी, इतना सैड मत होइए, एंड वी ऑफकोर्स यू नो हम समझेंगे कि क्यों ये शक्तियों को भूल गए थे, एंड कब उनको वापस ये स्मरण दिलाया गया। सो जैसे ये रामायण है, यू नो रामायण जो इतनी सुंदर ग्रंथ है, इसमें जीवन में हमें सिखाया गया है, इस रामायण से हम सीखते हैं कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। यू नो निश्चित, सर्टेनिटी, नथिंग इज प्रेडिक्टेड, कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकते। अनिश्चितता, ये जो टर्म है ना, ये पूरा रामायण हमको सिखाता है, एंड हमारा जीवन भी तो वही है ना। कुछ सर्टेनिटी है क्या? कुछ डिसाइड किया जरूरी है वैसा ही होगा? अभी रिसेंटली हमारी कजन की एक शादी थी, वो सब कुछ प्लान था, हम ऋषिकेश जाने वाले थे, सब कुछ प्लानिंग था, एकदम पता था हमको जाना है, सब कुछ रेडी था, बट किसको पता था कि अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ये कोरोना इतना ज्यादा फैल जाएगा, इतना ज्यादा यू नो इतनी बुरी हालत हो गई है अभी बाहर देश की, एंड किसे पता था कि लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा जगह जगह पे, एंड किसे पता था कि हमारी जो शादी हम जाने वाले थे वो शादी कैंसिल होके पोस्टपोन हो जाएगी। सो जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है, एंड ये रामायण हमको सिखाती है। किसको पता था कि जिस श्री राम का राज अभिषेक होने वाला था, किसे पता था कि उसी नेक्स्ट डे जिस दिन उनका राज अभिषेक होने वाला है, उस दिन उनको वनवास के लिए निकलना पड़ेगा 14 साल के लिए? क्या ये निश्चित था? नहीं निश्चित था। किसको पता था कि श्री राम, जिन्होंने ये तय कर लिया था, जिन्होंने सीता माता और लक्ष्मण को बोल दिया था कि अब हम बाकी का जो ये समय है वो पंचवटी जो नासिक में है वहां पे हम बिताएंगे बाकी का जो वनवास है, किसको पता था कि वहां पे सूर्पनखा आके सीता माता को पे आक्रमण करने वाली, एंड फिर वो जाके कंप्लेन करेगी, एंड फिर सीता माता का वहां से अपहरण होगा? किसको पता था कि राम जी के इस वनवास में ओवरसीज ट्रैवल होने वाला था? मतलब उन्होंने सी ट्रैवल किया ना, ओवरसीज ट्रैवल, सो फॉरेन जाने वाले थे, किसको पता था? कुछ भी निश्चित नहीं था, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। किसे पता था कि हनुमान जी लंका जाएंगे सीता माता को ढूंढने? सो कुछ भी, एंड ना हनुमान जी को ये ज्ञात था कि वहां जाके मैं सिर्फ सीता माता को ढूंढने नहीं जाऊंगा, मैं लंका जला के भी आऊंगा। कुछ भी निश्चित नहीं है, एंड यही रामायण हमको सिखा रही है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है,
एंड इसलिए इसको यू नो ये अनसर्टेनिटी को देख के हमें बहुत सीरियस हो जाना चाहिए, अपने भक्ति में जीवन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। सो अब जो ये हनुमान जी यू नो रामायण में बहुत सारे कांड है, कांड बोला गया है, जैसे स्कंद बोलते हैं ना अपने भागवतम में स्कंद है, तो वहां पे कांड बोला गया है। सो बालकांड, युद्ध कांड, सुंदर कांड, सो बहुत सारे कांड है। सो उसमें से आपको पता है हनुमान जी का जहां पे सबसे ज्यादा गुणगान किया गया है, या जहां पे हनुमान जी ने श्री राम का गुणगान किया है, या जहां पे हनुमान जी के बारे में विशेषकर सब कथाएं की गई है, उस कांड का नाम है सुंदर कांड। ये हम सबको पता ही होगा, इट इज वेरी कॉमन। ओके, सो उस कांड का नाम है सुंदर कांड। आचार्यगण समझाते हैं, बहुत सुंदर समझाते हैं कि एक वानर सुंदर क्यों नाम रखा गया। हनुमान कांड लिख रख देते, हनुमान कांड रख सकते थे ना, बाल कांड रख दिया, युद्ध हुआ तो युद्ध कांड रख दिया, इसका नाम भी सुंदर कांड क्यों रखा, हनुमान कांड रख सकते थे। सो सुंदर कांड इसलिए आचार्यगण समझाते हैं कि भले वो देखने में तो वानर थे तो वो एक बंदर है ना, वानर थे वो, पर हनुमान जी उसी वानर रूप में सबसे ज्यादा सुंदर प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने खोई हुई सीता को पुनः राम जी से मिलाया। इसलिए हनुमान जी सबसे ज्यादा सुंदर प्रतीत होते हैं, इसलिए उस कांड का नाम है सुंदर कांड। इसमें मतलब इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं हमारे आचार्यगण, इतने सुंदर तरीके से समझाते हैं। एंड यहाँ बहुत सुंदर बात जो हमको समझ में आनी चाहिए कि इस कलयुग में भी हम सबको सुंदर बनना है ना। कलयुग में सब कुछ ना, ज्यादा नेम चाहिए, ज्यादा फेम चाहिए, ज्यादा ब्यूटी चाहिए, तो हम सबको सुंदर बनना है। बट आपकी फेयर एंड लवली आपको सुंदर नहीं बना सकती, वो बस आपके पॉकेट खाली कर सकती है, बट सुंदर जो भगवान ने बनाया है हम वही रहेंगे अल्टीमेटली। सो सुंदर तो हमें फेयर एंड लवली नहीं कर सकती है बाहर से, सो हमें अंदर से, भक्त को हमेशा अंदर से सुंदर बनना चाहिए। दैट इज वॉट मैटर्स। हनुमान जी बाहरी दृष्टि से सुंदर नहीं थे, किससे सुंदर, किससे उनका नाम ये सुंदर कांड बना, वो अंदर से सुंदर थे, अंदर से सुंदर प्रतीत हुए। सो हम भी सुंदर बन सकते हैं, हम भी सुंदर बन सकते हैं। कैसे, हमें बस इतना करना है, हम ये खोई हुई जो सीता है उसको राम से मिलाना है, सिंपल, और आप भी सुंदर बन जाओगे। बट द क्वेश्चन इज, माता जी कौन सी सीता खोई है कलयुग में, और कौन से राम से हम मिलाएंगे उनको, ये क्वेश्चन होगा। थिंग इज, यहाँ जिस सीता की बात की गई है, जो खोई हुई सीता है, वो और कोई नहीं, वो हमारी भक्ति है, वो हमारी खोई हुई भक्ति है, जिसको हमें श्री राम से मिलाना है। जो भक्ति जो खो गई है, जो हम इस भटक गए हैं इस माया में, जो हम भटके हुए हैं ना जाने कितने जन्मों से, अनंत जन्मों से जो हम भटके हुए हैं, उस खोई हुई भक्ति को हमें पुनः अपने भगवान श्री राम से मिलाना है। और अपने हृदय के जो अनर्थाज है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो है, ये रावण के तरह है, ये रावण है हमारे हृदय में जो बैठा हुआ है, इनका विनाश करना है। जब हम इनका विनाश करेंगे तभी हम भक्ति को अपने राम जी से मिला सकेंगे, और इसके लिए हमें सहायता लेनी पड़ेगी हनुमान जी की, क्योंकि बिना शुद्ध भक्त के चरण पकड़े हम भगवान को कभी भी नहीं पा सकते, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। सो नाउ एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से आप समझ में आएगा कि क्यों हनुमान जी कितने इंपॉर्टेंट क्यों है। सो एक बार रामनवमी का समय था, रामनवमी के समय में आपको, हम सबको पता है रामनवमी राम जी का बर्थ जो हम सेलिब्रेट करते हैं। सो रामनवमी के समय में एक भक्त, जो राम जी ऊपर से देख रहे हैं कि ये बैठ के रामनवमी के दिन में हनुमान जी की पूजा कर रहा है, अब राम जी इज वेरी मच कंफ्यूज्ड कि बर्थडे मेरा और ये किसी और की पूजा में लगा हुआ है, मतलब हनुमान की ठीक है, मतलब भक्त है मेरा, इतना प्रिय भक्त है मेरा, बट ठीक है रामनवमी के दिन क्यों, बट
माई स्पेशल डे. ऑफकोर्स इस तरह का नहीं था राम जी का, बट राम जी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि कर क्या रहा है, रामनवमी में हनुमान की पूजा क्यों कर रहा है. सो राम जी इतने उत्सुक हो गए कि वो आते हैं एंड उस भक्त से पूछते हैं कि एक्सक्यूज मी, आज तो मेरा बर्थडे है, मतलब तुम ये क्या कर रहे हो, हनुमान जी की बर्थडे, हनुमान जी की पूजा क्यों कर रहे हो. तो बोलते कि ना क्योंकि मेरे आराध्य, अब ये भक्त बोल रहा है, जस्ट सी, ये बोलता है कि मेरे आराध्य तो हनुमान जी है. बोलते कि ना कि पर हनुमान के आराध्य तो मैं हूं ना, अब मैं तुम्हारे सामने स्वयं प्रकट हूं तो तुम किसको चुनोगे, मुझे या हनुमान को. बोलते कि ना मेरा तो माइंड एकदम क्लियर है भाई, मैं कलयुग के जीवों के जैसा नहीं हूँ, कलयुग के जो जीव होते हैं ना, मैं उनके जैसा नहीं हूँ कि जिसने मेरा बंगलो दिलवा दिया, जिसने मेरा लोन क्लियर करवा दिया, मैं उसके मंदिर में जाके 10 नारियल फोड़ूंगा, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो गणेश हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो जो भी हो भाई, शनि हो, जो भी हो. तो मैं कलयुग के जीवों के जैसा नहीं हूँ, मेरा तो फोकस क्लियर है, मेरे तो आराध्य सिर्फ और सिर्फ हनुमान ही है, मैं उनकी पूजा करूंगा. तो अब राम जी और कंफ्यूज बोलते कि ना क्या क्या माजरा क्या है, मतलब क्या बोल रहे हो तुम, मतलब हनुमान तो मेरी उपासना करता है तो तुम मेरे को मतलब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो. तब वो भक्त बहुत सुंदर बात बोलता है, बहुत सुंदर बात बोलता है एंड वो बोलता है कि आप श्री राम जो हैं वो एक सुंदर पारिजात फूल के जैसे हैं. किसके जैसे हैं? आप एक सुंदर पारिजात फूल के समान हैं. अब सुंदर जो पारिजात फूल है ना, उसके अंदर जो मधु होता है, फूल के अंदर जो मधु होता है, उसको मैं और आप उस मधु को नहीं निकाल सकते हैं. ओके, हम उसको मधु को नहीं निकाल सकते. किस में वो क्षमता होती है उस मधु के रस को निकालने की या टेस्ट करने का? एक मधुमक्खी में, जो हनी भी होता है ना, वही उस पुष्प के अंदर जाके उस मधु को टेस्ट कर सकता है. उसी प्रकार से आप उस पारिजात पुष्प के समान हो और हनुमान जी जो है वो मधुमक्खी के समान है, जो उस पारिजात में जाके उस आपके जो भीतर का जो ये माधुर्य प्रेम है, जो ये माधुर्य रस है, मधुर रस है, उस रस को वो ना केवल स्वयं चखेंगे अपितु हम सब में बांटेंगे भी. इसलिए मुझ में क्षमता नहीं है आपके इस रस को टेस्ट करने की, बट मेरे हनुमान जी में ये क्षमता है, तो मैं उनको अपना आराध्य मानता हूं ताकि वो उस रस को टेस्ट करे एंड वो मुझ तक और हम सब तक फैलाए, ताकि हम भी आपके इस थोड़ा सा थोड़ा सा इस मिठास को, इसको चख सके, इस टेस्ट को हम समझ सके. सो हमें क्षमता नहीं है, हमें हनुमान जी के चरण पकड़ने पड़ेंगे कि आप हो शुद्ध भक्त, आप ही हमें भगवान से मिला सकते हो, आप ही हमें वो प्रेम दे सकते हो, आपके आशीर्वाद के बिना इट इज नॉट पॉसिबल. सो आगे हम जाते हैं कि कैसे आगे हम देखते हैं. अब ये समय कैसा, कौन सा है? अब वो समय है जहां पे पता चल गया है कि लंका में सीता माता है, पर कहाँ है हमको खोजना है. सो ये अब हम जा रहे हैं भक्ति के तलाश में, भक्ति को वापस राम जी से मिलवाना है. सो हम भी इस जर्नी में आइए जुड़ जाएं. सो यहाँ पे हनुमान जी और बाकी सभी वानर बैठे हुए हैं एंड दे ऑल आर डिस्कसिंग विद जामवान. जामवान सबसे सीनियर थे एंड जामवान वृद्ध भी थे बहुत. तो दे ऑल आर डिस्कसिंग, जामवान जी बताइए आप क्या कैसे करना है. तो कोई बोल रहा है मैं 80 मील जा सकता हूँ, मैं 100 इतने मील जा सकता हूँ, मैं एक बार जा सकता हूँ, पुनः रिटर्न नहीं आ पाऊंगा. रिटर्न नहीं आ पाऊंगे तो व्हाट इज द यूज, चले गए, पता चल गया सीता कहाँ है, पर आके इन्फॉर्म कौन करेगा. सो आना भी है, जाना और आना भी है. जामवान बहुत वृद्ध है, जामवान पहले होता तो कर सकते, बट नाउ ही इज वेरी ओल्ड. तो बोलते मैं अब बहुत वृद्ध हो गया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये कार्य. तो अब सब सोचते कि कौन करे, कौन करे. जामवान जी जाते हैं हनुमान जी के पास एंड हनुमान से कहते हैं कि हे हनुमान, तुम में शक्ति है, तुम कर सकते हो. हनुमान जी बोलते हैं मैं, मतलब मुझे तो कोई आइडिया नहीं. रिमेम्बर, हनुमान जी को अपने शक्तियों का स्मरण नहीं है. सो अब उनको कौन स्मरण दिला रहा है? जामवान जी. सो जामवान जी बोलते हैं कि तुम कर सकते हो हनुमान, तुम जा सकते हो और आ भी सकते हो.
हनुमान जी बोलते हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, बोलता हाँ। देन उनको सब कुछ याद दिलाते हैं कि क्या हुआ था, तुम्हें कितनी शक्तियां मिली हुई है, तुम ये कर सकते हो। जब ये सुनते हैं तो हनुमान जी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो हनुमान जी में एक गुण देखिए, हनुमान जी को घमंड नहीं होता है। अच्छा अब तो राम जी मेरे अंडर, कैसे पॉसिबल होगा ये मिशन उनका मेरे बिना, ये घमंड नहीं आता है उनमें। वो विनम्र होके ये रियलाइज करते हैं कि ये जो शक्ति मुझ में है ये इसलिए है ताकि मैं भगवान श्री राम के इस कार्य को पूरा कर सकूं। कितना सुंदर बात है, कितना सुंदर बात है। मतलब राम हनुमान जी को थोड़े से देर के लिए भी गर्व नहीं हुआ। हमें कितना गर्व होता है, एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन में चले जाइए, एक दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आइए, 10 बुक कर लिया, 100 बुक कर लिया, 150, 200, 400, 1000 बुक, एंड नेक्स्ट दिन आप वेट करोगे कि कब मेरा नाम अनाउंस होगा, कब मेरा नाम अनाउंस होगा। 200 बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, मजा नहीं आया। 200 बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रत्नावली गोपी देवीदास, अब मजा आया। ये है हमारा स्वभाव, ये है हमारा स्वभाव, और ये है हनुमान जी का स्वभाव, जो पफ्ड अप नहीं हुए, सुन के अभिमान नहीं आया, विनम्र हुए कि मुझ में जो मेरी मेरी शक्ति नहीं है, ये तो भगवान की दी हुई शक्ति है, उनके कार्य में ही यूज करना है। सो नाइस, सच अ नाइस थिंग। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक घर बन रहा है, एक घर बन रहा है, बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और उसमें कुछ सीमेंट रखा हुआ है, रखा रहता है ना, ब्रिक्स रखे हुए रहते हैं, रॉड रखा रहता है, सीमेंट रखा रहता है। सो अब जो वो घर बन रहा है, क्या वो सीमेंट, वो रॉड, क्या वो ब्रिक्स जो पत्थर है, वो सब क्या वो उस घर का है जो बनने वाला है, या उस घर के ओनर का है जो वो बना रहा है? आंसर दीजिए, किसका है घर, किसका है वो सीमेंट, किसका है वो ब्रिक्स, रॉड किसका है? घर का है जो बन रहा है, या उस ओनर का है? टेल मी, आंसर इज सिंपल, आंसर इज ओनर का है ना, ओनर का है, क्योंकि ये सारी चीजें वो तो ओनर का है ना, ओनर उस घर को बना रहा है, तो उसने उन्होंने सब सामान वहां पे रखा है, अल्टीमेटली ओनर का है। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली राइट, ओनर 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 ओनर, सबको समझ में आ गया। सो ओनर का ही है। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है, हनुमान जी क्या देख रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं कि ये शरीर मेरा है, ये शक्तियां मेरी मेरे अंदर है, पर अल्टीमेटली ये मेरे अंदर इसलिए है, मतलब मैं तो एक बस घर हूं, ये अल्टीमेटली तो ओनर जो मेरे राम जी है उनके कार्य में आएगा, उनके कार्य में आने वाला है, ये सब उनका ही है, तो उनके कार्य में उपयुक्त करूं, इसलिए ही मुझ में ये सारी शक्तियां हैं। सच अ नाइस थिंग। सो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब भी बहुत अभिमान हो ना कि मैंने भक्त बनाए, मेरा ये प्रचार चल रहा है, मेरे इतने फॉलोअर्स बन रहे हैं, मेरा मेरा मैं नहीं करना है, हमें मेरा कुछ नहीं है, हम तो बस एक सर्वेंट है कृष्णा के, भगवान के दास, अनुदास अनुदास है, हम बस उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें लोग रेस्पेक्ट करते हैं, जहां हम इससे हटे दे डोंट इवन केयर हु इज रत्नावली, आई एम रत्नावली देवीदासी, या हम मुझे हरे कृष्णा बोलते हैं, मुझे हरि बोल बोलते हैं, या प्रणाम कर दिखाते, मुझे नहीं कर रहे हैं, उस परंपरा को कर रहे हैं जिससे मैं जुड़ी हूं, जिससे हम जुड़े हैं आज, सो उसको प्रणाम किया जा रहा है। सो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, हमें गर्व नहीं करना चाहिए। सो ये थी सबसे सुंदर बात। यहाँ पे दूसरी सब सीखने वाली बात क्या है, दूसरी बहुत सुंदर सीखने वाली बात है कि जामवंत हनुमान जी ने क्या किया। हनुमान जी ने सुनते ही वो यंग है, जो बोलते हैं ना यंग ब्लड, बहुत जवानी में जो हम होश गवा देते हैं वो वाली बात है। सो यंग है एंड कुछ भी ऐसा नहीं कि सुना शक्ति आई एंड कुछ भी कर दिए, ऐसा नहीं किया हनुमान जी ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जामवंत
जामन जी से पूछा कि मुझे आदेश दीजिए, मुझे अब क्या करना है, आप मुझे आदेश दीजिए, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। सच एन इम्पोर्टेंट लेसन, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। आप शायद यंग होंगे, बट जो हमारे एल्डर्स हैं, जो हमारे हमसे बड़े हैं, हमेशा उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे सलाह मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। एंड जब ये कॉम्बिनेशन मिलता है ना, एक्सपीरियंस और एक यंग यूथ का, एक तरफ एक्सपीरियंस है, भले वो वृद्ध है जामवन, पर एक्सपीरियंस है, और यहाँ हनुमान जी यंग है, उनके पास स्ट्रेंथ है, एनर्जी है। तो जब ये एनर्जी और एक्सपीरियंस जब मिलेगा ना, तब पता है क्या बनता है? तब बनता है इस्कॉन। यस, हाउ वी कैन रिलेट दिस थिंग ना, कैसे श्रील प्रभुपाद कितने वृद्ध थे जब वो पाश्चात्य देश में गए। प्रभुपाद खुद भी बोलते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। ऑफकोर्स प्रभुपाद तो कुछ भी कर सकते हैं, बट प्रभुपाद की विनम्रता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब तो तुम कर रहे हो, बिकॉज यू पीपल आर सो यंग, यू आर इन्वेस्टिंग ऑल योर एनर्जी इन कृष्णा सर्विस। एंड यही 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 तो परिणाम हुआ, जब प्रभुपाद जी का ज्ञान, प्रभुपाद जी का एक्सपीरियंस मिला किससे, पाश्चात्य देश के यूथ सबसे, तो इन सब की एनर्जी और प्रभुपाद जी का ये सुंदर एक्सपीरियंस, उनका ज्ञान मिलके बना हमारा ये विशाल इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सी क्या मतलब, कितना ज्यादा मतलब कितना ज्यादा विशाल है ये संस्था हमारा, पूरे विश्व में ऐसा कहीं नहीं है जहां पे इस्कॉन नहीं है। सो ये होता है जब एक्सपीरियंस और एनर्जी मिलके काम करे तो। सो हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए, कि उन्होंने जोश में आके होश नहीं गवा दिया। आजकल के जो यूथ है ना, जो हमको लगता है, जो बोलते हैं आपने क्या देखा है, बस एक डायलॉग मारोगे, बुढ़ापे में बाल सफेद नहीं किए, बुढ़ापे में मतलब सॉरी क्या, ऐसे ही बाल सफेद नहीं किए, धूप में बाल सफेद नहीं किए, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, आप बस डायलॉग मारोगे, तो मुझे ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड होता है। बट ये एटीट्यूड कितना गलत है, यहाँ पे हनुमान जी हमको सिखा रहे हैं कि हमें हमेशा उनसे ज्ञान लेना चाहिए, हमेशा वी शुड बी ओपन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि किस तरह से आगे जब उनको पता चलता है कि अब मुझे जाना है। सो हनुमान जी जब निकलते हैं, जैसे ही वो पार करने जाते हैं, हनुमान जी जब पार कर रहे होते हैं समुद्र को, सबसे पहले रास्ते में कौन आता है, रास्ता मतलब समुद्र का रास्ता, समुद्र से बाहर आता है एक विशाल मैनाक पर्वत, एक मैनाक पर्वत आता है। सो पर्वत जो होता है ये बहुत सुंदर होता है, एकदम गोल्डन माउंटेन समझे, इतना आलीशान जैसे मकान होता है ना, एकदम फार्म हाउस, हम एकदम हॉलीडेज में जाते हैं ना, एकदम फॉरेन में जैसे दिखाया जाता है, तो वो तो कुछ भी नहीं है इस मैनाक पर्वत के सामने। सो सारे ऐशो आराम वहां पे उपस्थित थे। सो मैनाक पर्वत आके हनुमान जी को प्रणाम करते हैं एंड बोलते हैं कि आपके जो पिता है वायुदेव, उन्होंने मुझे एक बार बचाया था। कैसे? इंद्र जो थे पहले ना, पर्वतों के जो ये जो पर्वत है ना, पहाड़, इन सबके विंग्स होते थे, मतलब विंग्स पंख थे इनके। सो ये उड़ के जा सकते थे एक जगह से दूसरे जगह हॉलीडे मनाने, पर्वत भी जाते थे। सो जब ये उड़ के जा रहे थे, तो एक बार मतलब लीला में नहीं जाएंगे। सो बेसिकली इंद्र ने क्या किया था, इन सब पर्वतों के पंख को काट रहे थे। सो जब मैनाक पर्वत के पंख को काटने गए इंद्र, तो वायुदेव ने इतनी जोर की हवा हवा वायु दिया कि ये मैनाक पर्वत जाके समुद्र के अंदर छुप गया उस हवा के फोर्स से। सो एक तरह से उनको बचाया इंद्र से। सो नाउ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ दिस लव, एंड मैनाक पर्वत आते हैं, बोलते हैं कि आपके पिता ने मेरी हेल्प की थी। सो नाउ आप इतने बड़े मिशन में जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट करो, यहाँ पे थोड़ा खाओ पियो नाचो गाओ, रेस्ट करो थोड़ा। सो हर एक चीज अवेलेबल था उस मैनाक पर्वत में। बट यहाँ हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने बोला सबसे इंपॉर्टेंट बात,
ध्यान रखिएगा, जब यहां से निकले थे हनुमान जी, राम जी ने कोई डेडलाइन नहीं दिया था कि 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर या इतने दिन के अंदर तुमको रिपोर्ट करना है, कोई डेडलाइन नहीं था। बट हनुमान जी को रेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनको लग रहा था अब मैं अपने मिशन में निकला हूं, जब तक मैं सीता माता की का ये खबर वापस पुनः राम जी तक ना पहुंचाऊं तब तक मैं सांस नहीं ले सकता चैन से बैठ के। ये यू नो ये हनुमान जी के अंदर ये उत्साह था समझिए, या ये इंटेंसिटी थी। इट इज सो इम्पोर्टेंट। मतलब मैनाक पर्वत जो है यहाँ पे, मैनाक पर्वत इज रिप्रेजेंटिंग द ऑब्स्टिकल्स, यू नो, जो भक्ति जीवन में जो बाधाएं आती है ना, डिस्ट्रैक्शंस जो आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस, कभी भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वैसे तो बाहर बहुत चीजें हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रैक्शन इज हमारा मोबाइल फोन, जिसको लेके हम घूमते रहते हैं। मतलब सो कैसा किसी चीज है ना, हम हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। आपके हाथ में हर वक्त वो डिस्ट्रैक्शन को लेके आप घूम रहे हो और आप बोल रहे हो कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, कैसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। इट इज सो स्टूपिड। सो मोबाइल हमारा जो ई डिस्ट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आज इस कलयुग में अगर है तो वही हमारा मोबाइल फोन ही है, जिससे हम दूर नहीं रह सकते। बट सी ऑफ कोर्स मोबाइल में हम कह सकते हैं भक्तगण की हम तो माता जी कथा सुनते हैं, हम तो भगवान की भजन सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, सो क्या वो भी ना करें? ऑफ कोर्स करिए। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने मंदार पर्वत को आउट ऑफ रेस्पेक्ट उन्होंने कहा क्योंकि आप मेरे पिता के मित्र हुए तो मैं रेस्ट तो नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, उस मैनाक पर्वत में बस उन्होंने उस मैनाक पर्वत को टच किया, केवल टच किया और फिर वो आगे निकल गए। मतलब उतना ही छुआ जितना जरूरत है, उतना ही मोबाइल यूज करो जितना जरूरत है। सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। बट द प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम तो घुसते हैं मोबाइल में, मतलब हम तो अंदर जाते हैं ये देखने के लिए कि हम तो कीर्तन सुनना है, बट कीर्तन के बीच में कुछ आ गया, कुछ ऐड आ गए तो हमें लगता है कि हाँ ये तो अच्छी चीज है, इसमें कोई बुरा बात तो नहीं है, थोड़ा ये ऐड भी देख लूं, थोड़ा ये भी देख लूं, एंड देन वी गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो उतना ही छुओ जितना जरूरत है, उतना ही यूज करो जितना जरूरत है, बस काम खत्म, रख दो फिर वापस उसको, हो गया। सो ये हमको हनुमान जी बहुत सुंदर तरीके से सिखाते हैं। हमारे जो गुरु महाराज है होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज भी इतना सुंदर बताते हैं, जब के समय बोलते हैं कि हर कोई मुझे बोलता रहता है रेस्ट करो रेस्ट करो, मतलब गुरु महाराज आपको रेस्ट करना चाहिए रेस्ट करना चाहिए। गुरु महाराज इतना सुंदर जवाब देते हैं, वो बोलते हैं कि दे कीप टेलिंग मी गुरु महाराज यू शुड टेक रेस्ट, बट आई टेल देम कि अब आई डोंट वॉन्ट टू टेक रेस्ट एनी मोर, रेस्ट तो अब मुझे नहीं करना है। गुरु महाराज क्या बोलते हैं, रेस्ट तो अब गोलोक धाम जाके ही करेंगे, रेस्ट तो अब वापस पुनः धाम भगवत धाम लौट के ही रेस्ट करेंगे। ये इस जगत में, इस भौतिक जगत में रेस्ट करना मतलब एक एक क्षण दूर हो जाना कृष्ण से, एक एक क्षण चला जाना आपके जीवन से, वो जितने भी करोड़ रुपए दो वो पुनः आपके जीवन में नहीं लौटा पाएगा, कोई भी नहीं लौटा पाएगा। सो यहाँ पे रेस्ट करना मतलब टाइम वेस्ट है, कृष्ण से दूरी है। सो अब रेस्ट तो धाम जाके ही हम करेंगे, कितना सुंदर है। मतलब जस्ट सी द कॉन्शियसनेस, क्या कैसी सोच है हमारे आचार्य, हमारे गुरु श्रील गुरु महाराज है प्रभुपाद, इन सबकी कैसी सोच है। सो इतना अमेजिंग लगता है इस परंपरा से जुड़ के रहना, मतलब भाग्यशाली जीव ही इससे जुड़ते हैं। सो आगे जब हनुमान जी आगे निकलते हैं तो वहां पे और एक देवी प्रकट होती है, देवी तो नहीं राक्षसी, वो कौन है, सुरसा। सुरसा प्रकट होती है एंड सुरसा क्या कहती है, सुरसा क्या करती है कि सुरसा कहती है हनुमान जी से कि इस यहां से जो भी पार होगा उसे मेरे मुख के अंदर जाना पड़ेगा, मुख के अंदर जाके ही वो यहां से पार हो सकता है। तो क्या रूल था, मेरे मुंह के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा तभी पार हो सकते हो। सो ना, मुंह के अंदर प्रवेश करना मतलब क्या,
मतलब खत्म, लाइफ एंड। सो यहाँ पे सूरसा देखती है हनुमान को एंड वो अपना मुंह खोलती है, 80 मील मुंह खोलती है एंड हनुमान जी उसका मुंह का हाइट देख के मेजर करके उससे ज्यादा लंबे हो जाते हैं, मतलब और विशाल रूप लेते हैं। इस तरह से सूरसा और ज्यादा मुंह खोल रही है, हनुमान जी और ज्यादा विशाल हो रहे हैं, और ये मुंह खोल रही है और हनुमान जी विशाल हो रहे हैं एंड ये कॉम्पिटिशन चल रहा है। सडनली हनुमान जी को रियलाइज होता है, व्हाट एम आई डूइंग हियर, मैं इसके साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मेरा गोल तो कुछ और है, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रही है। हाउ स्मार्ट, सी हनुमान जी कितने बुद्धिमान है। हनुमान जी उस में नहीं पड़े, उस कॉम्पिटिशन में नहीं पड़े, हम पड़ जाते हैं ना, हमें लगता है और बड़े हो जाए और बड़े हो जाए, हम यही कर यही तो हम करते हैं, हम में अहंकार आ जाता है, हम दूसरों को देखते हैं, अच्छा ये इतना इतना ज्यादा फेमस हो रहा है, अब मुझे भी फेमस होना है, अच्छा ये इसने एक एक बंगला ले लिया तो मुझे दो लेने हैं, इसने मर्सिडीज ली है तो मुझे जागुआर लेना है। इस कॉम्पिटिशन में ही हम पड़े हैं, इस कॉम्पिटिशन में ही हम पड़े हैं और अपना जीवन गवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हनुमान जी हमारे जैसे नहीं है, हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी देखते हैं कि ये टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो इस पर्पस से आया ही नहीं था, मैं यहाँ पे कोई कंपटीशन करने थोड़ी आया हूँ सूरसा के साथ, मुझे तो सीता माता को ढूंढने जाना है। बुद्धि से तब हनुमान जी क्या करते हैं, छोटे हो जाते हैं, हनुमान जी छोटे हो जाते हैं, तुरंत एकदम छोटे हो जाते हैं, उनके मुख के अंदर घुसते हैं। बाय द टाइम सूरसा रियलाइज करती है, मुंह बंद करना चाहती है, तब तक तो हनुमान जी बाहर भी आ जाते हैं एंड ये देख के सूरसा को बहुत अच्छा लगता है। सूरसा को लगता है कि वाह ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। सूरसा आशीर्वाद देती है सूरसा हनुमान जी को एंड बोलती है तुम अपने कार्य में जरूर सफल होगे। सो हमें भी अपने इस जीवन में ऐसे कॉम्पिटिशन्स में नहीं लग जाना है। सूरसा यहाँ पे अभिमान अभिमान और अहंकार को रिप्रेजेंट कर रही है। सो हमें कभी कभी यू नो ये कॉम्पिटिशन आ जाता है दूसरों को देख के, या कुछ कर दिया तो उसका अहंकार हो जाता है। हमें विनम्र होना पड़ेगा क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं ना, विनम्रता, पेशेंस, टॉलरेंस, विनम्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है जो भगवान हमें देखना चाहते हैं एंड तभी हम क्वालिफाइड होंगे वापस उनके पास लौट जाने के लिए। एंड विनम्र यू नो जब इस तरह के अहंकार को दमन कैसे कर सकते हैं, किसी के भी अहंकार को दमन कैसे कर सकते हैं, विनम्र होके, छोटा होके। यहाँ पे हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी छोटे हो गए। सो जब ये या किसी पे बहुत यू नो ऐसा ऐसा कुछ हिंसा आए, सो उनकी प्रशंसा कर दो या उस तरह का उसी तरह से जब हमें बहुत लगे कि अभिमान हो रहा है या सामने वाला व्यक्ति भी इस तरह का दिखा रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इस कंपटीशन में मत पड़िए, लाइफ में बहुत कुछ है करने को, वो करिए। इस कंपटीशन में पड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है, विनम्र हो जाइए, छोटे हो जाइए, खत्म समाप्त हो जाएगा, वहां पे टॉपिक ही एंड हो जाएगा, दिस सो सिंपल। सो बट हमको दिखाना है कि नहीं हम तो तुमसे भी बड़े हैं, इस चक्कर में हम खो जाते हैं इस भौतिक जगत में, ना कि कब से हम खोए हुए ही हैं इस जगत में, इसलिए तो हम आज भी यहीं पे पड़े हुए हैं। एनीवेज आगे आगे जब जैसे बढ़ते हैं आशीर्वाद लेके, आगे से एक और राक्षसी निकलती है, निकलती नहीं है, यहाँ पे क्या होता है जब हनुमान जी जाते रहते हैं ऊपर से समुद्र के, तो अचानक से वो देखते हैं कि मेरी गति क्यों रुक गई, मतलब वो स्पीड से जा रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक लग गया है। अब नाउ हनुमान जी इज कंफ्यूज्ड कि ये हो क्या रहा है, मैं आगे क्यों नहीं मूव कर पा रहा हूं। सो हनुमान जी पीछे मुड़ के जब देखते हैं कि सिमिका जो राक्षसी है उन्होंने हनुमान जी के शैडो को, जो उनकी परछाई है, उसको पकड़ लिया है। Now, Simika had this power. Simika के पास ये पावर था कि वो किसी की भी परछाई को पकड़ सकती है, पकड़ के उस व्यक्ति को एक्चुअल में इन रियल उसको रोक सकती है। सो यहाँ पे सिमिका किसका प्रतीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सिमिका रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हम शैडो को पकड़ रही है ना, मतलब हमारे जो हम शैडो कैसा होता है, हमारा काला सा एक जो इमेज जाता है। सो जब जब हमारे किसी भी चीजों को लेके लोग हमें
पीछे खींचते हैं, नीचे नीचे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे किसी भी एक चीज को पकड़ लिया और उसको लेके बस खोदते रहेंगे कि हाँ देखो तुम तो ऐसे हो, तुम तो यही हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, ये वो, एंड हमको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हमको इसमें ये हमको उदास नहीं हो जाना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि लोगों का तो काम है कहना, वो तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, वो बोलते रहेंगे, वो तो कुछ भी करेंगे, आप वो बोलेंगे, चाहे अच्छा करो बुरा करो, उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे ही। इवन जब इस्कॉन जब बहुत फेमस हो रहा था, अब कोई भी फेमस होता है तो लोग बाग आ जाते हैं उनके, उनको नीचे गिराने, नीचे लाने के लिए। सो यहाँ पे सिमिका उसके प्रतीक है। सो इस्कॉन जब बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, एकदम स्टार्टिंग के टाइम की बात है, आपको समझ में आ जाएगा कब का बात है। सो जब तो कुछ भक्त श्रील प्रभुपाद के पास जाते हैं, फॉरेनर भक्त हैं सब, एंड एज यू ऑल नो कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने इन सब हिप्पीज को जो नशा करते थे, जो मदिरा पान करते थे, जो सारे इलिसिट सेक्स में इंडल्ज थे, जैसे भी कपड़े पहने नहीं पहने ऐसे ही पड़े रहते थे, उन सबको भक्त बनाया। क्या लेवल पे ले गए वो, ऐसे लेवल पे जहां पे मैं और आप भी उनको टक्कर नहीं दे सकते। मतलब ऐसा लेवल उनका सेट कर दिया, इतना ज्यादा उनको शुद्ध भक्त बना दिया। ऐसे श्रील प्रभुपाद के पास भक्त गण आके बोलते हैं कि प्रभुपाद आपको पता है ये लोग ने एक गाना बनाया है, मूवी की बात कर रहे हैं। क्या गाना है आप सबने सुना होगा, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो शुभ शाम, हरे कृष्णा हरे राम। सुना है, बहुत फेमस सॉन्ग था ये, आज का तो सॉन्ग है नहीं, बहुत पुराना सॉन्ग है ये, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे भक्तजन आके, एंड आपने देखा होगा ये, अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो वहां पे सब हुक्का लेते हुए दिखाते हैं, एंड ऐसे नशा किए हुए, ड्रग्स लिए हुए हैं, पड़े हुए हैं, दे आर सिंगिंग हरे कृष्णा हरे राम। सो ये उस टाइम की बात है। सो ऑफकोर्स इस्कॉन फेमस हो रहा था, अब फेमस जो भी चीज, जो इंसान फेमस हो, जो चीज फेमस हो, उसको हमको नीचे लाना ही है। सो ये सब जाके प्रभुपाद को जब बोले कि प्रभुपाद इस तरह से, वो इस तरह से दिखा रहे हैं नशा करते हुए हरे कृष्ण हरे राम कर रहे हैं, तो मतलब वो इस तरह से दिखाना चाहते थे कि सी हिप्पीज लोग जो नशा करते थे वो हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे हैं। नाउ हिप्पीज तो भाई बन गए, हिप्पीज तो शुद्ध भक्त बन गए, तुम तो अभी भी नशा ही कर रहे हो, तुम नशा करते करते अब तुमने अपनी जीवन निकाल दिया, तुम उल्टा उनको इमिटेट करते हुए तुमने वो हरे कृष्ण को अपनाया नहीं, तुम उनके वस्त्रों को या निर्वस्त्रों को या उन नशा नशीली चीजों को उनको अपना लिया, पर एक्चुअल में जो एसेंस था वो उसको नहीं अपना, उसको अपना नहीं पाए। सो प्रभुपाद, यू नो व्हाट प्रभुपाद से, हम सोच नहीं सकते प्रभुपाद क्या बोले। प्रभुपाद ने उनको बोला कि दैट्स ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सब भक्त बोले कि ना अच्छी बात है प्रभुपाद, मतलब इसमें अच्छी बात है कहाँ, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। प्रभुपाद बोले कि अरे देखो, सबसे पहली बात वो हरे कृष्णा उनके मुख से निकल रहा है, सो भगवान का नाम वो ले रहे हैं। दूसरी बात, वो हमारा प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब वो हरे कृष्ण हरे राम और इस तरह से तो सबको पता हो, सब क्यूरियस होंगे कि कौन है ये, इस्कॉन वाले, अच्छा देखते हैं चलो आके, तो उस तरह से वो जाएंगे देखने के लिए। सो हमारा ही ब्रांडिंग कर रहे हैं वो, इट्स ओके, लेट देम डू, अच्छी बात है, सबको सुनने दो, पूरी दुनिया को सुनने दो। हम तो एक दो दिन जो भी थोड़े बहुत एरिया में जाके कीर्तन वीर्तन करके वो तो पूरी दुनिया को सुनाएंगे, फेमस होने दो उनके इस गाने को, और ज्यादा फेमस होने दो। सो सी, दिस वाज प्रभुपाद मेंटालिटी, सच एन अमेजिंग सोल। मतलब प्रभुपाद क्या सोच सकते हैं, हम वो सोच भी नहीं सकते क्या क्या सोच सकते प्रभुपाद। सो इस तरह से हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने सिमिका को सुरसा की जैसे कुछ, सुरसा के वो तो छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं किया था, बट सिमिका को हनुमान जी ने मार दिया। क्यों? क्योंकि सिमिका किसकी प्रतीक थी, सिमिका प्रतीक थी एनवीनेस की, सिमिका प्रतीक थी दूसरों की निंदा या दूसरों के प्रति द्वेष का, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव का। सो ये सब ईर्ष्या द्वेष जेलेसी जो ये चीजें है ना, इनका कोई स्थान नहीं है आपके भक्ति जीवन में। अगर है तो इसको चीर फाड़ के फेंक दो,
जैसा हनुमान जी ने सिमिका के साथ किया, कोई स्थान ही नहीं है एनविनेस का, तो उसको मार दिया हनुमान जी। सो यहाँ पे हमको भी हमेशा समझ में आना चाहिए कि हमें दूसरों से जलन, ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल भक्त को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता कि दूसरे अच्छा कर रहे हैं तो हमें उससे जलन होने लगेगा, या हम अच्छा कर रहे हैं तो कौन सी उसकी बुरी बात को हम मीडिया को दिखा दे इस तरह का, या किसी दूसरे भक्त को जाके चुगली कर दे कि हाँ हाँ, कोई कोई बोलते हैं ना कि 100 चूहे मार के बिल्ली हज को चली। नहीं भाई, उससे भले 100 चूहे मारे होंगे पर अल्टीमेटली वो हज में तो जा रही है ना, तुम तो अभी भी चूहे बिल्ली के खेल में ही पड़े हुए हो। तुम तो ना, तुमको जाना है पर तुमको ये कमेंट जरूर करना है कि हाँ हाँ पहले तो वो ये था वो था ऐसे करता था अब बड़ा साधु दिखा रहा है। सो दिस इज अ वेरी बैड मेंटालिटी, या जो भक्त बन गए हैं या दूसरों भक्तों की यू नो दूसरों से ईर्ष्या करना, उनके प्रति द्वेष भावना, दिस इज वेरी रॉन्ग। हमें एज अ साधक हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब हम फटाफट चलते हैं बिकॉज टाइम नहीं है हमारे पास। आगे जब हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं, लंका जब पहुंच जाते हैं हनुमान जी, यहाँ किसके दर्शन होते हैं हनुमान जी को? लंकिनी, जिनको जिनको बोला जाता है गॉडेस ऑफ लंका, समझे। सो यहाँ पे लंकिनी गार्ड करती रहती है, गार्ड करती रहती है लंका का। सो लंकिनी यहाँ पे जैसे ही हनुमान को देखती है तो उनको मारने जाती है। जैसे ही मारने जाती है, हनुमान जी उसको पकड़ के एक चाटा मारते हैं, गाल में एक चाटा लगाते हैं। अब ना लंकिनी को ये श्राप था, श्राप या आशीर्वाद समझ लीजिए जो भी, कि जिस दिन कोई बंदर तुमको आके तमाचा मारेगा, जिस दिन कोई बंदर तुमको आके तमाचा मारेगा उस दिन तुम समझ लेना कि अब तुम्हारा अंत है। उस दिन तुम्हारा ही नहीं, मतलब तुम्हारा उद्धार ही नहीं, अपितु पूरे लंका का एंड ऑल्सो लंकापति रावण का भी उद्धार, मतलब अंत का समय आ गया है। तो जैसे ये जब तमाचा लगा, जैसे बोलते हैं ना होश आ जाएगा, एक झापड़ दूंगी ना, इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो उस तरह से जब हनुमान जी ने उसको झापड़ मारा तो उसके भी होश ठिकाने पे आ गए। सो नाउ हनुमान जी को हनुमान जी देखते हैं। सो ये लंकिनी क्या रिप्रेजेंट करती है? लंकिनी हम जो प्रचारक है, यू नो, जो हम प्रचार करते हैं इस मिशन से, हर जो जो भी जुड़ा हुआ है, प्रभुपाद सबको बोले हैं कि हमें प्रचार करना है कृष्ण का ये ज्ञान, ये इंफॉर्मेशन, ये जो ये ज्ञान है कृष्ण प्रेम हमें बांटना है। सो हम सब प्रचारक है। सो जब हम सीता अब लंका में प्रवेश कर गए हैं, पर भक्ति मतलब सीता माता के पास आ गए हैं जहां सीता माता है, पर कौन यहाँ पे बाधा के रूप में खड़ी है? लंकिनी। सो लंकिनी इज लाइक एन ऑब्स्टिकल, जो बाधा है, जो अवरोध है आपके भक्ति में, वो ये लंकिनी है, समझिए। एंड लंकिनी यहाँ पे आके रोकने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे हनुमान जी लंकिनी को तमाचा मार के निकलते हैं। सो यहाँ पे हमारे जीवन में भी एज प्रचारक, हमको भी जब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो इस तरह से बहुत सारे अवरोध आएंगे, जो हमें हर क्षण, तो क्या इवन भक्ति के हम बहुत निकट भी पहुंच गए ना तो भी हमें बाधाएं आती रहेंगी, तो हमें हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड यहाँ से कितनी सुंदर एक चीज समझ में आती है हमें कि देखिए कैसे श्रील प्रभुपाद भी हनुमान जी के तरह ही हमारे लिए हैं, श्रील प्रभुपाद भी, क्योंकि जैसे हनुमान जी कैसे राम जी का ये संदेश लेके ओवरसीज ट्रैवल करके सीता माता के पास गए, सो ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। सो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया? ये ज्ञान, भगवान का ये ज्ञान लेके वो भी ओवरसीज ट्रैवल किए, बाहर पाश्चात्य देश में गए। हनुमान जी कहाँ गए थे? लंका गए थे, जो स्वर्ण की नगरी थी। और हमारे प्रभुपाद कहाँ गए थे? प्रभुपाद कोई कम स्थान पे थोड़ी गए थे, अमेरिका गए थे, जहां पे जाने के लिए हम सब पागल होते रहते हैं ना। ऑफकोर्स भक्तों को इन सबसे इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बट ठीक है, बट भी हमें पता है अमेरिका कैसा कैसा स्थान है। सो अमेरिका जैसे स्थान पे प्रभुपाद गए ये ज्ञान देने के लिए, एंड वहां पे सबको ये उनकी खोई हुई भक्ति
उनकी खोई हुई भक्ति को उनको पुनः लौटाया श्रील प्रभुपाद ने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद के जीवन में भी बहुत सारे बाधाएं आई थी। जब प्रभुपाद गए थे पाश्चात्य देश में, उनको भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए थे। कभी रिपोर्टर्स तंग करते थे, कभी उनके उनके डेविड करके जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी उनको बहुत तंग किया था प्रभुपाद जी को। एंड ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स थे। इवन जाते वक्त भी जलदूत में उनको कितने हार्ट अटैक्स आए। सो कितने सारे बाधाएं। बट हमें हमेशा समझ में आना चाहिए कि प्रचारक को ऐसे बाधाएं तो आएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है, हमेशा हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम किसका संग कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। संग अच्छा रखिए। आई ऑलवेज रिपीट दिस थिंग कि संग आपका अच्छा होना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों के संग में हैं जो हमें भगवान के पास ले जाने में मदद कर रहे हैं, तो वो आपका अच्छा संग है। जो आपको भगवान से दूर कर रहे हैं, वो आपका बुरा संग है। हमें वैसे संग नहीं लेने हैं। जब हनुमान जी, हमको हमेशा अपने अपने को चेक करते रहना है। जब हनुमान जी लंका पहुंच गए, एंड अब हनुमान जी को क्या करना था? हनुमान जी जो ब्रह्मचारी है, जो ब्रह्मचारी है, वो लंकापति रावण के बेडरूम में जाके, क्योंकि उनकी इतनी सारी रानियां थी, कोई मदिरा पी के राक्षसी है, सब इधर बैठी हुई है, इधर लेटी हुई है, ऐसे कुछ आधे वस्त्र, कोई कुछ पहना है नहीं पहना है। एंड हनुमान जी वहां प्रवेश करते हैं टू सी कि कौन है सीता माता, बिकॉज उन्होंने कभी नहीं देखा है। उनको कोई फोटो नहीं भेज दिया गया था फोन पे कि देख लेना यही है, मैच कर लेना। सो वो एक एक स्त्री के, एक एक रानियों के घूंघट उठा उठा के देख रहे थे कि कौन है कौन है। सो हनुमान जी, एक टाइम था जब हनुमान जी स्टॉप किए, उन्होंने एक हॉल्ट लिया एंड उन्होंने विचार किया कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये मेरे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है, क्या ये मेरे आनंद के लिए मैं कर रहा हूं, या मैं केवल भगवान श्री राम की सेवा के लिए कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। हम कभी कभी भटक जाते हैं। हम शुरू तो करते हैं ये बोल के कि हम सेवा कर रहे हैं। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हम तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। बट कब वो सेवा धीरे धीरे हमारा, हमें आनंद देने लगता, हम भगवान को आनंद देने के लिए सेवा करना शुरू किए थे, कब वो सेवा धीरे धीरे हमें आनंद देने लग जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। Always check yourself, हमेशा खुद को चेक करिए। कैसे है ना, माताएं जब माता जी जब भोग बनाती हैं, हम सब जब भोग बनाते हैं, तो भाई आज सबको घर में हमको तो पिज्जा खाना है, तो हम भगवान को भोग लगाएंगे पिज्जा का। पर भाव हमारा कैसा होना चाहिए? भाव हमारा ऐसा होना चाहिए कि आज मेरा मन है भगवान को पिज्जा खिलाने का। रूप गोस्वामी, जो हमारे गोस्वामी में से एक है, वो 56 भोग भगवान को लगाते थे, बट खुद 56 भोग नहीं खाते थे। हम तो बैठे रहते कब आएगा परिया 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 56 भोग का, वो वाला आइटम चाहिए, ये पास्ता पिज्जा बर्गर ये मेरा है, पहले से ही बुकिंग है 56 भोग में से। ऐसा नहीं, प्रसाद तो प्रसाद है, सब ग्रहण करो। सो यहाँ पे कब हम, हमारा भाव ऐसा होना चाहिए, बट हमारा भाव ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स हमें वो टारगेट रखना चाहिए, भाव वैसा होना चाहिए। तो कब हम उस सेवा में अपने आप को आनंद देने लगते हैं, एंड तभी तो प्रॉब्लम आती है कि मेरी सेवा क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रही है। उसने सेवा की तो उसकी एक्सेप्ट हो गई, मुझे तो यही सेवा चाहिए, मुझे और कोई सेवा नहीं करनी, मुझे उसी सेवा में आनंद आता है। मतलब क्या, आप मंदिर क्या अपनी सेवा, अपनी बात मनवाने के लिए आए थे, या भक्ति सीखने आए थे, या भगवान की सेवा करने आए थे? करने क्या आए थे आप? खुद को आनंद देने आए थे? हमेशा हमें चेक करना चाहिए। यहाँ पे हनुमान जी वही किए, ही स्टॉप्ड, वो स्टॉप हुए एंड खुद को एक बार सोचा, खुद में सोचा कि ये मैं जो कर रहा हूं, ये मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा हूं, या मैं भगवान की सेवा के लिए ही कर रहा हूं। Then he realized, नहीं, ये completely भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि मुझे तो सीता माता को ढूंढना है। एंड फिर वो ढूंढने लगते हैं, एंड उसी लंका में उनको एक आंगन ऐसा मिलता है जहां पे तुलसी मैया है, तुलसी जी के दर्शन होते हैं, एंड राम 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 की ध्वनि सुनाई देती है।
एंड हनुमान जी विचलित हो जाते हैं कि लंका, लंका में राम की ध्वनि, लंका में राम का नाम, तुलसी माता, ये कौन है? एंड जब हनुमान जी वहां जाते हैं, कौन है? ऑफ कोर्स वी ऑल नो, रावण के भाई विभीषण, जो भक्त है. एंड विभीषण को देख के वो बहुत खुश होते हैं. एंड हनुमान जी को लगता है, वाह, अब तो मेरा लंका अगर नेक्स्ट टाइम आना हुआ तो यहाँ पे, यही पे प्रसाद लूंगा मैं, यहाँ पे प्रसाद अवेलेबल है. हम भक्तों को टेंशन होती है ना, बाहर जाते हैं तो प्रसाद कहाँ लेंगे, प्रसाद कहाँ मिलेगा. सो हनुमान जी को भी एक जगह मिल गया जहाँ पे लंका में भी प्रसाद मिल सकता है. सो हनुमान जी जब जाते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हनुमान जी को आश्चर्य होता है. सी, हनुमान जी को आश्चर्य हो रहा है, लंका में रावण के भाई भक्त. अजीब लगता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सीख है यहाँ पे. कभी कभी हम कंप्लेन करते हैं, मेरी माँ अगेंस्ट है, मेरे पिता अगेंस्ट है, मेरा भाई अगेंस्ट है, ये लोग मुझे भक्ति नहीं करने देते. माता जी कैसे भक्ति करूं, यहाँ पे तो कोई भक्त का एसोसिएशन ही नहीं है. कैसे भक्ति करूं, यहाँ पे तो कोई मंदिर ही नहीं, एक छोटा सा सेंटर है, कैसे भक्ति करूं, बहुत बाधाएं हैं, कैसे करूं? क्या आप रावण के भाई हो? क्या रावण आपका भाई है? जस्ट इमेजिन, भक्ति कहीं भी हो सकती है. अगर रावण के भाई विभीषण लंका में रह के, राक्षसों के मध्य रह के भक्ति कर सकते हैं, राम को स्मरण कर सकते हैं, तो भगवान ये अवश्य ध्यान रखते हैं. फलस्वरूप जब हनुमान ने पूछा कि आपको इतनी भक्ति करके क्या मिला, मतलब लंका में राक्षसों के मध्य में इतना, इतनी कठिनाइयों में रहते हुए आपने इतनी भक्ति करी, आपको कुछ मिला? भगवान ने आपको कभी कुछ दिया? कुछ फील हुआ कि हाँ, भगवान ने मुझे मेरी ये हेल्प करी? सो बहुत सुंदर रिप्लाई करते हैं विभीषण, बोलते मैंने जो इतनी कठिनाइयों में जो ये भक्ति करी, एंड जिस तरह से मैंने भक्ति करी, हर वक्त मैंने भगवान श्री राम को स्मरण किया, ऐसे परिस्थिति में रह के भी, फलस्वरूप आज मुझे भगवान का गुणगान करने का फल ये मिला, ऐसे कठिन परिस्थिति में भी करने का फल ये मिला कि आज मुझे आप जैसे शुद्ध भक्त, जो राम जी का सबसे प्रिय भक्त है, उनके साक्षात दर्शन हो रहे हैं, उनका साक्षात संग मिल रहा है. इससे बढ़कर और क्या देख सकते हैं भगवान राम मुझे? जस्ट इमेजिन, सो ब्यूटिफुल लेसन. इसलिए हमें कोई गर्व नहीं करना चाहिए या हमें उदास नहीं होना चाहिए. ये उदासी कि मैं तो यहाँ पे हूँ, यहाँ पे कैसे भक्ति करूं, इतने सारे प्रॉब्लम है, आपको क्या समझ में आएगा, मेरे घर में ये बनता है वो बनता है, आप तो बस लेक्चर देके चले जाते हो माता जी, हमको समझना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कैसे चैंटिंग करूं, ये करूं वो करूं. डोंट कंप्लेन, ऑलवेज सी विभीषण. आई अंडरस्टैंड सबके जीवन में प्रॉब्लम है, बट कंप्लेन करने से वो ठीक नहीं होंगे ना. हमेशा ऐसे भक्तों को देखिए, प्रहलाद को देखिए, विभीषण को देखिए, इनसे हमें सीख लेनी चाहिए. और एट द सेम टाइम ये समझ लेना कि मैं तो वृंदावन धाम में जन्म हुआ है मेरा, मैं तो धाम वासी हूं, या मैं तो भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरे अंदर तो पहले से ही भक्ति है, सो मुझे ये सब मत सिखाओ, मेरे में आई एम बॉर्न, जैसे बोलते बॉर्न बॉर्न सेलेब या बॉर्न भक्त, ऐसे बोलते ना, तो मैं बॉर्न भक्त हूं. इसका भी घमंड मत करिए, बिकॉज यदि आप इसका घमंड करेंगे तो जहां पे विभीषण एक एग्जाम्पल है, वहीं पे अयोध्या में स्वयं राम जी की माता कैकेयी का भी एक एग्जाम्पल है, जो अयोध्या जैसे धाम में रह के जब मंथरा का संग लोगे तो कैकेयी जैसे हम बन सकते हैं. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि कोई कई भी बन सकते हैं. सो जरूरी नहीं है अगर परिस्थिति बहुत अच्छी है तो हम भक्ति बन जाएंगे. कभी कभी परिस्थिति अगर बहुत अच्छी भी हो ना तो हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं. ठीक है, मैं नहीं तो क्या, ये कर लेगी मंगला, मैं नहीं तो क्या, वो मेरे लिए एक दो माला चैंट कर लेगी, वो कर लेंगे. हम बहुत लाइट हो जाते हैं, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं चीजों को. सो मुझे तो ऐसा लगता है कि जीवन में हर वक्त कुछ कठिनाइयां होनी ही चाहिए भक्त के जीवन में, तभी हम भक्ति को और सीरियसली ले सकेंगे. वरना हम जब सब कुछ अनुकूल रहेगा ना तो लगेगा कि हाँ ठीक है, आप ही कर लो मंगला, मैं उठ जाऊंगी, कर लूंगी जैसे तैसे चैंटिंग कर लूंगी, कोई बात नहीं, बाकी घर में तो भगवान है ना, घर में तुलसी महारानी तो है ना,
सब कुछ तो है, कथा वथा सब कुछ हवन वन सब कुछ चल रहा है, कोई बात नहीं आराम से चलने दो, पहुंच जाएंगे, पहुंच तो जाओगे, पर क्या गारंटी है इस जन्म में पहुंचोगे और क्या गारंटी है नेक्स्ट जन्म हम पता नहीं कहाँ पे होंगे। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें यहाँ पे सीखना चाहिए। सो फाइनली सीता माता से जब मिल लेते हैं हनुमान, एंड अब हमारा एंड हो रहा है सेशन का। सो जब हनुमान जी मिल लेते हैं सीता माता से, सीता माता को मिलके हनुमान जी का मन भर जाता है, मतलब मन एकदम गदगद हो जाता है, उनके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं सीता माता का वात्सल्य प्रेम देख के। हनुमान जी एक ऑफर देते हैं सीता माता को कि मैया एक काम करो, आप मेरे कंधे में बैठ जाओ, मैं आपको वापस पहुंचा देता हूँ, अब भी राम जी के पास पहुंचा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इट इज नॉट दैट इजी, अगर ऐसा होता तो फिर तो युद्ध का एक युद्ध कांड ही निकल जाता रामायण से। तो सीता माता ने क्या बोला, सीता माता ने ऑफकोर्स बहुत सारी रीजनिंग दी, उसमें से एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग जो सीता माता कहती है हनुमान जी को कि मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि मेरे जैसे और भी कई अबला स्त्री को इस रावण ने यहाँ पे बंदी बना के रखा है। सो कहो राम से जाके यहाँ पे आए और इस रावण का वध करे ताकि मेरे साथ साथ इन सब का सब भी यहाँ से मुक्त हो सके। जस्ट इमेजिन, हम जब परेशानी में होते हैं, हम जब प्रॉब्लम्स में होते हैं, हमें लगता है कि भाड़ में गई दुनिया, मुझे तो भाई मैं तो पहले बचूं। एयरप्लेन में भी बोला जाता है ना, पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क पहनो, अगर किसी भी कारण से प्लेन को नीचे उतरना पड़े, सुन के ही डर लगता है, तो पहले सबसे पहले अपने आप को ऑक्सीजन मास्क पहनिए एंड फिर आपके पास है या फिर बच्चे को पहनाइए। जस्ट इमेजिन, एक महा को भी ये बोला, ज्ञान दिया जा रहा है कि पहले तुम बचो फिर बच्चे को बचाओ। एंड यहाँ पे हमारी परम माता सीता माता है जो ये सोच रही है कि भले मैंने यहाँ पे इतनी तकलीफ हुई है, एक रेडीमेड हेलीकॉप्टर आया हुआ है यहाँ पे हनुमान के रूप में कि बस मुझे बैठना है और वो मुझे पहुंचा देगा राम के पास, पर सीता माता ये नहीं चुनी। सीता माता ने क्या कहा, सीता माता ने कहा कि और भी यहाँ पे बहुत है, उनको भी यहाँ से निकालो। ये सुन के हनुमान जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं, वहां से जाते हैं उड़ के एंड फिर जाके राम जी के पास पहुंचते। यहाँ पे मोस्ट मतलब अद्भुत सीन, यहाँ पे हनुमान जी जब पहुंचते हैं राम जी के पास, जब दूर से देख रहे हैं हनुमान इज लैंडिंग, हनुमान अब लैंड कर रहे हैं एंड सब वानर उत्सुक है कि अब क्या, अब क्या बोलेंगे, मिली कि नहीं सीता माता, बिकॉज लंका कोई मार्केट प्लेस नहीं था, छोटा सा एक ह्यूज नगरी थी, स्वर्ण रावण की नगरी है। So, वहां पे सीता माता को ढूंढ निकालना, पता नहीं मिली कि नहीं। एंड जब लैंडिंग कर रहे हैं हनुमान जी सोच रहे हैं, राम जी सामने खड़े हैं, क्या बोलूं, आप क्या बोलोगे, मुझे सीता मिल गई। हनुमान जी ने पता है आपको क्या बोला, हनुमान जी ने कहा मिल गई सीता मुझे। अब बोलोगे इसमें तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है माता जी, ऐसा सेंटेंस तो नहीं होता है, मुझे सीता मिल गई। अब हनुमान जी ने क्या सोचा, हनुमान जैसे शुद्ध भक्त ने सोचा अगर मैं बोलूं मुझे तो हनुमान जी सोचेंगे पता नहीं क्या बोलेगा, मुझे क्या हुआ, सीता मिली कि नहीं मिली। और इसी सोच में अगर भगवान श्री राम मूर्छित हो गए तो ये सोच के कि पता नहीं मिली नहीं मिली, ये सोच के अगर वो मूर्छित हो गए तो क्या करूंगा। फिर वो सोचते हैं कि मुझे को तो छोड़ो, मैं तो इम्पोर्टेंट नहीं हूं, मुझे को बाद में रखो, सीता बोलूंगा तो सोचेंगे कि सीता क्या, आगे क्या, सीता है नहीं है क्या। फिर बोलते हैं कि नहीं, बेस्ट है मिल गई, जैसे ही राम के कान में जाएगा मिल गई तो उनको एक आश्वासन होगा, मिल गई मतलब कौन, सीता, तो मिल गई सीता मुझे, ये कह के हनुमान जी लैंड करते हैं। सो अमेजिंग, ये है हनुमान जी हमारे। सो इतना सुंदर हनुमान जी का भाव है एंड इस भाव के साथ आज जैसे हनुमान जी को सीता माता मिल गई, ये खबर उन्होंने राम जी तक पहुंचाया, हम हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो ये खोई हुई सीता है, भक्ति है, इसको हम पुनः श्री राम से मिलाए, ये आशीर्वाद हमें हनुमान जी दीजिए, बिकॉज उनके आशीर्वाद के बिना राम जी का प्रेम पाना इज इम्पॉसिबल। सो
एक्चुअल में यू नो रियल सेंस में जो हमारा ये रामनवमी का जो ये फेस्टिवल चल रहा था इतने समय से, जो कॉन्टेस्ट एंड ऑल लगा अब एंड हुआ, एक्चुअल में तो ये है उसका नो तड़का बोलिए, या ये है उसका एक्चुअल फ्लेवर, जो हनुमान जी की लीलाएं है, जो हनुमान जी से हमने आज सीखा, यही हमें अल्टीमेटली राम जी के चरणों में या राम जी के का ये गुणगान, राम जी का नाम शुद्ध रूप में, राम जी के प्रति प्रेम जो है वो हमें हनुमान जी, केवल हनुमान जी ही दे सकते हैं. सो दिस इज समथिंग विच वी ऑल शुड अप्लाई इन आर लाइफ. हमें ये अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सीख है. एंड इसके साथ हम आज का ये सेशन खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच. आशा है कि हम भी हनुमान जी के, ऑफ कोर्स ऑलवेज रिमेम्बर, हमें इमिटेट नहीं करना है, हम इमिटेट कर भी नहीं सकते, बट हमेशा ये ध्यान रखिए जब हम ये गुणगान भी करते हैं ना, जो हम बोलते हैं तन मन धन सब तेरा क्या लागे मेरा, क्या बोलते हैं हम, तन तेरा, मन तेरा, धन भी तेरा, पर एक्चुअल में ऐसा है क्या? हनुमान जी भी सोचते होंगे कि मतलब पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, तन बोलते हैं तेरा है, पर जब इनको बोलते हैं मंदिर आओ तो बोलते हैं कि पता नहीं जब भगवान बुलाएंगे हम तो आ जाएंगे माता जी. अब भगवान के आपके डोर में आके नॉक करेंगे क्या? उसकी अपेक्षा कर रहे हो आप? वो क्या अमेजोन से या मिंत्रा से आए हुए हैं क्या, जो आपको हर चीज डिलीवरी घर तक ही पहुंचाएंगे? सो ऑलवेज रिमेम्बर, मतलब हम तन भी नहीं लगा रहे हैं मंदिर जाने के लिए, उतना भी नहीं कर सकते. मन लगाओ बोलते हैं, पर मन भी कहाँ लगा रहे हैं हम? मन भी कहाँ लगाते हैं? किसी से भी पूछो, मन नहीं लगता, मन इतना विचलित है, मन भाग रहा है, मंदिर में मन नहीं लगता, मंदिर जाने का मन नहीं है, ये सब डायलॉग्स हम मारेंगे. और धन की बात करो तो बाबा राम 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 ही बोल देंगे. भाई भगवान को क्या जरूरत है मंदिर की? मंदिर के लिए पैसे दे दो, भगवान को क्या जरूरत है मंदिर की? भगवान को क्या जरूरत, पूरा संसार उनका कहीं भी रह ले. अरे ऐसा कार्य आप ही मुझे डोनेशन दे दीजिए, मैं अपना घर बना लूं, ऐसे आंसर मिलेंगे आपको. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम बस क्या बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में भी अप्लाई करें. एंड ये आई वुड से कि हम ऐसे परंपरा से जुड़े हुए हैं जो हमको ये चीज सिखाती है कि एसेंस जो है रियल सेंस में, जो हनुमान जयंती है वो क्या है, किस तरह से हम रामनवमी या कोई भी फेस्टिवल्स है वो रियल में जो अगर मनाना है ना, तो एक्चुअल में हमें परंपरा से ही सुनना चाहिए, गुरुजन से सुनना चाहिए, वही हमें एक्चुअल मीनिंग विद एसेंस समझाते हैं. एंड तभी हम चीजों को और डेप्थ में जाके समझते हैं, तभी हमें रियल में प्रेम होता है, ना केवल बस मंदिर गए प्रणाम कर लिया नारियल फोड़ दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला. बस भगवान को यूज, मतलब किसी को भी यूज मत करिए, यूज मत करिए, दे ऑल्सो डोंट लाइक, हम बोलते हैं ना दे जस्ट यूज्ड मी, ऐसे हमें बहुत बुरा लगता है ना, यू आर यूजिंग मी लाइक अ डोरमैट, हम डायलॉग तो बहुत मारते हैं क्योंकि हमें बुरा लगता है. बट यही चीज उन पे भी अप्लाई करो यार, वो भी शुद्ध भक्त है, वो कोई साधारण नहीं है. सो उनको भी अपने ऐसे तुच्छ कार्यों के लिए मत यूज करिए, उनके एक्चुअल एसेंस को समझिए, वो क्या देना चाहते हैं, वो प्रेम को समझिए, वो क्या दे सकते हैं और आप उनसे क्या मांग रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. So with that, I would end today's session. Thank you so much. And Hanuman ji, ऐसे शुद्ध भक्त है जिनका जिनकी जीवनी हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे हम अपने आचार्यगण गोस्वामी की जीवनी को ध्यान रखते हुए कृष्ण भक्ति करते हैं. So उसी तरह से हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का जीवन, जैसे हनुमान जी है, उनसे ये सब सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम भी भक्ति में और आगे बढ़े और राम जी के धाम, हमारे गोलोक धाम, हमारे कृष्ण के पास पुनः लौट जाएं. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा. आशा है आपको ये सेशन ठीक लगा होगा, और कुछ भी त्रुटि हुई होगी तो मुझे क्षमा करिएगा, बिल्कुल वो मुझ में ही कुछ कमी रही होगी, वरना जो आचार्य ग्रहण समझाए हैं वही प्रस्तुत करने की कोशिश की हूँ. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.